नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। जी, ये कुत्ते की तरह हांफते हुए कहां से आ रहे हैं? कोई गली का कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या? कुत्ता कहां से पीछे पड़ता, तू तो घर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुत्ता हूँ, मैं आपका साला हूँ। बाकी सीधा लोग अपने सालों की कितनी इज्जत करते, कितना प्यार करते, एक आप है कि मुझे घास तक नहीं डालते है? मैंने गधों को घास डालना बंद कर दिया है। तो मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। जीजा जी, आप हमारी ऐसे इंसल्ट मत किया करो, हम लोग भी होशियारपुर के रहने वाले हैं। देख बे, होशियारपुर के बेवकूफ, आज मैं ऐसा होशियारी का काम करके आया हूँ कि मेरी होशियारी के सामने तेरा होशियारपुर बेवकूफपूर्ण नजर आएगा। अच्छा, ऐसा क्या काम किया? बाजार में चलती किसी बुढ़िया का पैकेट मार लिया क्या? वो काम तो मैंने तेरे घर वालों से सीखा था, वो लोग जब जेल गए तो मैंने वो काम छोड़ दिया। पूरे 10 रुपए का फायदा करके आया हूँ। 10 रुपए का? वो कैसे? बस मेरे आगे थी, मैं बस के पीछे था, बाजार से घर तक मैं बस के पीछे भागता रहा, बस को पकड़ा नहीं, उसमें बैठा नहीं, टिकट खरीदा नहीं, 10 रुपए बचा लिए और घर तक पहुंच गया। इसमें रोने की क्या बात है? हंस रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ। पता तो चलता ही नहीं कि हंस रहा है कि रो रहा है। अरे जीजा जी, आपके कपड़े बदल गए मगर आपकी सोच वही चिंदी चोरी वाली रही। सोचिए, 10 रुपए की जगह 300 रुपए बचा सकते थे आप। वो कैसे? अगर आप बस की जगह एक एयर कंडीशन टैक्सी के पीछे भागते तो 300 रुपए बच जाते। हाँ जी, मारा क्यों? इतने अच्छे आइडिया तू अपने पास क्यों रखता है, मुझे क्यों नहीं बताया? माना के तू होशियारपुर का है, मेरे साथ होशियारी नहीं करना वरना काट डालूंगा। चलने की तैयारी कर, काम पे चलना है। चलो चलते हैं। बस सुन जी, वो लेके आना। वो क्या? वो बैग। बैग बंद चलिए जीजा जी। चल जी, आपने कपड़े नहीं बदले जीजा जी? कोट ले लिया ना? कोट तो उससे भी पुराना है, कपड़ों तो क्या हुआ, कपड़े तो नहीं है सुनिए जी। ओहो, 20,000 मर्तबा कहा है जब मैं बाहर जा रहा होता हूँ तो पीछे से आवाज मत दिया करो, क्या है? आवाज नहीं देती तो क्या करती? लीजिए छिलके खा लीजिए। काहे के छिलके हैं ये? कल रात को आपने सेब खाया था ना, उसी के छिलके हैं। आपने कहा था ना इसे फेंकना मत, नाश्ते में खाऊंगा। तो छिलके खिलाने के लिए पीछे से आवाज देना जरूरी है? जब भी तुम पीछे से आवाज देती हो बंदा काम बिगड़ जाता है या कोई आसमानी मुसीबत आ जाती है। लो आ गई मुसीबत। हेलो हेलो, हाँ मैं राज सक्सेना की नानी बोल रही हूँ। नानी जी? हाँ बेटा, राज सक्सेना है। एक मिनट लीजिए, आपकी नानी का फोन है मद्रास से। तुमने पीछे से आवाज दी, देखो नानी का फोन आ गया और तुमने कह दिया होगा मैं हूँ घर पे। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, नानी से तुम्हारी उम्र पूछूं? मैंने तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी थी शादी से पहले। जीजा जी,
ये उम्र का झगड़ा तो उम्र भर चलता रहेगा। फोन लीजिए, शायद आपकी नानी 50 करोड़ का केस जीत गई हो, कुछ छुट्टे पैसे मिल जाएंगे। अरे वो मुझसे छुट्टे रखवा लेगी, 8 आने नहीं देने वाली मुझको, मगर मैं भी अपनी नानी की नानी हूँ, हाथ नहीं आने वाला। तो क्या करोगे तू देख। अरे राज बेटा, लगता है तुम्हें जुकाम है। तुम्हारी तो नाक बंद हो रही है। अच्छा ऐसा कर, तू गर्म पानी में 2 चमचे शहद डाल के पी ले, तेरी आवाज ठीक हो जाएगी। मगर बेटा मेरी हालत बहुत खराब है। राज बेटा, ये हमारे पुरखों की करोड़ों की जायदाद का जो केस चल रहा है ना, मुझे वकील को 25,000 रुपया देना है। रंग नंबर लगता है। सुन रहा है ना? कौन बोलता है? हेलो, मैं मद्रास से राज सक्सेना की नानी मिसेस गुणकारी बोल रही हूँ। अरे इधर कोई बैलगाड़ी फुलवारी नहीं देती है। ओफो, फोन बंद ही रहने देना, उन्हें बुढ़िया आफत की बुढ़िया फिर से फोन करेगी। और तुमको मैंने 1,00,000 मरतबा कहा है कि पीछे से आवाज मत दिया करो, नानी का फोन आया तो मत दिया करो। तुम आवाज नहीं आती ना, आज के बाद अगर तुमने पीछे से आवाज दी या नानी का फोन दिया तो मैं तुमको तलाक 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 दे दूंगा। जी जी, हो गया, 3 बार में होता है। हो गया, हाँ, हो गया। गुड, चलो ये चलना का शादी में। ओ मगनाय स्वाहा, एकदम अग्राय नवम, अब वर और वधू फेरे लेने के लिए खड़े हो जाएं। अब फेरों की शुरुआत तब होगी जब ये दहेज का 1,00,000 रुपया देंगे। क्या कह रहे हैं आप, 1,00,000 रुपया? मगर पहले तो आपने ऐसी बात नहीं की थी। अरे तब नहीं की थी, मगर अब तो कर दी। जब तक आप 1,00,000 रुपये नहीं देंगे, मेरा बेटा पाँव नहीं बढ़ाएगा, हरगिज नहीं। देखिए देखिए, ऐसा कदम मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए फूटी कौड़े भी नहीं है, फिर 1,00,000 रुपये जैसी पड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा। देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत आपके पैरों में है, मेरी बेटी पे अनुज पे रहम खाइए। अब आप मेरी सुविधा करा के ले जाइए। आप कैसा जिंदगी? दिगंबरनाथ जी, पगड़ी मर्दों के सर का ताज होती है, पैर की जूती नहीं, इसे सर पे रहने दीजिए। बैग खोलो, ये लीजिए आपके 3,00,000 रुपए। 3,00,000? ये 3,00,000 रुपए, वो भी मेरे? जी हाँ, आपके। समझ लीजिए आपकी मुसीबत खत्म हो गई। जी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आपके ये दान धर्म के पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं? ये दान धर्म के नहीं, आपके हक के पैसे हैं भाई। मेरे हक का पैसा? जी हाँ। अच्छा, 20 साल पहले आपके दादाजी ने मेरे पास 10,000 रुपए रखवाए थे इंटरेस्ट पर, ताकि जब उनकी पोती बड़ी हो तो ये पैसा उसकी शादी के काम आए। और देखिए आज मैं सही वक्त पर आ गया। क्या? जी हाँ, वो 10,000 उसका इंटरेस्ट होते 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 20 साल में वो 10,000 3,00,000 हो गए। 3,00,000? कमाल हो गया। अयो 3,00,000? वाह भाई वाह, क्या ईमानदार इंसान है आप। आप जैसा ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जीजा जी, टमाटर और ककड़ी चुराने वाला अचानक ईमानदार हो गया क्या? पागल हो गया है क्या? अगर हम ईमानदार होंगे तो बेईमानी किसके घर जाएगी? तो फिर ये कैसा ड्रामा था, 3,00,000 रुपए गंवा के आ गए आप? चारा डाल के आ रहा हूँ। चारा घोटाला? 3,00,000 रुपए का चारा? अबे अपने नौकर को दिए, 10 मिनट में वापिस आएगा और करोड़ों के लोग फांस लाएगा। दोस्तों, लोगों से पैसे लेना और 20 साल बाद ब्याज के साथ लौटाना, ये हमारा पुश्तनी धंधा है। मेरे दादाजी ने धंधा शुरू किया, उन्होंने कब पैसे लिए थे? 1899 में राजाओं महाराजाओं से अरबों रुपए लिए, और कौन सी ईयर में लौटा है? 1922 में ब्याज समेत लौटा दी। उसके बाद ये धंधा मेरे पिताजी ने संभाला, उन्होंने अंग्रेजों से करोड़ों डॉलर कब लिए? 1932 में, और लौटाए कब? 1947 में, अंग्रेजों के जाने के बाद लौटाए। उसके बाद ये धंधा मैंने संभाला। दादाजी की तस्वीर और पिताजी की तस्वीर तो समझ में आ रही है, मगर ये तीसरा फ्रेम खाली क्यों है? ये एडवांस बुकिंग है इनके लिए। वो बंद नहीं होता क्या तरह? मेरे पिताजी ने इसको गोद लिया था, तो ये फ्रेम इसके लिए खाली है, जैसे ही मरेगा इसकी तस्वीर इस फ्रेम में आ जाएगी। सक्सेना साहब, 5,00,000 रुपए मैं भी आपके पास ब्याज पे रखना चाहता हूँ। ये मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? क्या मैं जवानों के पैसे नहीं लेता? जवानों को मेहनत करनी चाहिए, अगर उनको अभी से ब्याज के कीड़े उनके शरीर में पड़ जाएंगे तो पूरे देश में कीड़े पड़ जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए पूरे देश को तो बर्बाद नहीं कर सकता ना, तो तुम जब इनकी उम्र के हो जाना तो आना मेरे पास। तब तक आप रहेंगे?
हाँ रहूंगा ना, मैंने तो अपनी उम्र को पॉज कर लिया है। वैसे फोकट में देना तो दे दो। नहीं, ये रही आपकी रसीद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे। हाँ जी नमस्ते, फिर मिलेंगे 20 साल के बाद। मिलेंगे मिलेंगे, हाँ बिल्कुल नमस्ते। अच्छा सक्सेना साहब, फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे। जीजा जी, शमशान में या तेरवी में? ऐसे ऐसे। एक बात बताइए मुझे। क्या? वो जो लड़का आया था 5 लाख रुपए लेकर, आपने उसे छोड़ कैसे दिया, आप जैसे आदमी ने? अबे तेरे यहाँ पर भेजा है कि भूसा है? क्यों? ये जो लोग आए थे ये लोग कितने साल और जिंदा रहने वाले हैं? 4-5 साल, 10 साल। तो 20 साल के बाद ये लोग मुझसे पैसे लेने आ सकते हैं? नहीं। और वो लड़के की अभी उम्र क्या है? 20 साल। 20 साल के बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 40। तो पैसे लेने आएगा ना, तो क्यों लो पैसे? जीजा जी, आपने तो शैतान को भी मात कर दिया। कमाल है कमाल है। मगर कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो आपका माल चबा के ले जाएगा। देख, सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी के मुंह में वो दांत ही नहीं लगे जो मेरा माल चबा जाए। ये सिटी कौन मारा रे? ये आला। और ये पड़ा, ये भी आपका है? अरे ये भी 6-6 बैग, बाप रे। चलो रे, ये सारा सामान आपका है? अकेले आदमी का इतना सामान, पूरे खानदान का कितना होगा? टैक्सी साहब, टैक्सी। कभी छेड़ कभी हाथ मिले राधा का। ये कौन आ गया भाई? एक दो तीन चार 5-6 बैग, नया मुर्गा। जीजा जी, अरे जीजा जी, जीजा जी, अरे जीजा देखो जी, मेरा 9,87,003 रुपया होता है। 3 रुपया कैसे छोड़ दूं? अरे छोड़ो 3 रुपए जीजा। अबे कैसे छोड़ दूं? केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, पूरा पैसा चाहिए। जीजा जी, सुबह सुबह आपने किसका मुंह देखा था? तेरा ही मुंह देखा था। तो रोज देखा करो, एक नया मुर्गा आया है। मुर्गे का क्या करूं? 6-6 बैग नोटों से भरे हुए लाया। हाँ? अरे बहार है। मगर जीजा जी एक बात, उस लड़के को भगाना मत, वो जवान है। पिछली बार आपने भगा दिया था एक को। एक बैग लाया होता तो भगा देता, 6 बैग लाया तो मैं घर में रख लूंगा। स्वागत की तैयारी कर। वेलकम 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 वेलकम।
वेलकम। जी आप लोगों का वेलकम तो बड़ा कमाल का है। हमारा गुड बाई भी धमाल का होता है। जी क्या मतलब? नहीं, पागल है इनका साला हूं ना इसलिए। मामला के मुंह काला कर दूंगा। बड़ी खुशी है आपसे मिलकर। राज के सक्सेना। राज के सक्सेना। राज के सक्सेना। राज के सक्सेना। मेरी नकल मत करो भाई, मेरा नाम राज के सक्सेना है। अरे, मैं आपकी नकल नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी नाम राज के सक्सेना है। ओहो, राज के सक्सेना, आप भी राज के सक्सेना। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस? नो नो नो, कोइंसिडेंट। हां, हाय, वेलकम वेलकम। छे छे सूटकेस और नया मुर्गा साला। राज बहुत संभाल के गिरना है। सॉरी, मेरा मतलब है संभाल के आना है। असल में क्या है, मैं सुबह सुबह खाने की टेबल सजा के बैठता हूँ, तो जब तक कोई मन को भाता नहीं है तो वो निवाला मुंह में जाता नहीं। सर खाने पीने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, पहले काम धंधे की बात कर ले। कितना समझदार लड़का है। वाह वाह वाह, क्या बात। आ वाह 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 वाह, ऐसा बात है। बहुत अच्छे। खोल। खोल दूंगा खोल दूंगा, लेकिन आप पहले दरवाजे तो बंद कर ले। क्यों? क्या है ना सर, करोड़ों का मामला है ना, आजकल दीवारों की भी आंखें होती हैं। बिल्कुल सही कहा जागीरदार। मुरली जो भी है, तू जाकर दरवाजे खिड़की सब बंद कर दे, जल्दी जल्दी। अभी करता हूँ। हो गया, वेरी गुड। वाह क्या बात, अब खोलो। हाँ अब खोलो भैया। खाली? अबे ये तो खाली है। सर आप नोट देंगे तो भर के ले जाऊंगा ना। हा? मैं नोट दूंगा तुझको? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरे का दिमाग खराब है जो मैं नोट दूंगा और तू भर के लेके जाएगा? सर भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरे दादाजी ने गांव की जमीन बेची थी पूरे 2 लाख रुपए में, और उस 2 लाख को आपके पास ब्याज पर लगा दिया। और पता है सर, वो आपसे इतने इम्प्रेस थे कि मेरा नाम भी आपके नाम पर रख दिया, राज के सक्सेना। और आज 20 साल के बाद मैं आपसे वसूली करने आया हूँ। एक्चुअली सर 20 साल का 10% पर मंथ ब्याज के हिसाब से 14 करोड़ 60 लाख रुपए होता है। तो पहले पीछे हट। अरे अरे तू कौन है, तेरा दादा कौन है, नाम बता कौन है? ब्रिज कुमार सक्सेना। मैं किसी ब्रिज कुमार सक्सेना फक्सेना को नहीं जानता। बनारस से। बनारस कौन सी कंट्री है बे? सर बनारस कंट्री नहीं, शहर है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। नदी क्या होती है? अरे समंदर के पास रहे ना, नदी का पता नहीं उनको। वाह सर वाह, आप मेरे दादाजी श्री ब्रिज कुमार सक्सेना को नहीं जानते? नहीं। बनारस शहर को नहीं जानते? सवाल ही पैदा नहीं होता। गंगा नदी को नहीं जानते? जानते ही नहीं। तो आप अपनी साइन की हुई रसीद को तो पहचान लेंगे ना? रसीद? जी बिल्कुल, देखो। अरे ए, अरे ये क्या कर दिया आपने? खा गया। ये इनका स्टाइल, पहले माल खाते हैं बाद में रसीद खाते हैं। अब आप ना कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते ना इनको जेल भिजवा सकते, रसीद गई पेट में डाल रहे। क्या मुझसे पैसे वसूल करने आया था? बाहर निकल। अबे बाहर निकल। अबे काहे के रुपए, तेरे से पहले लोग मेरे पास 80 करोड़ वसूल करने आए थे, 80 करोड़ खा गया छुट्टे चवन्नी अटन्नी। लेकिन मैं अपने दादाजी का पैसा वसूल करके ही रहूंगा। अबे मैं तेरे दादाजी को खा जाऊंगा, पैसा क्या चीज है? क्या? अरे बाहर निकाल, धक्के की भी फीस लूंगा। देखिए ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। मैं भारी पड़ने की भी फीस लूंगा। चल की खोपड़ी हिल जाएगी। अबे तेरे खोपड़ी की ऐसी जगह। आप क्यों हंस रहे हो भाई? अरे भैया हम इसलिए हंस रहे हैं कि 15 बरिस पहले हमहू अपने बाप का पैसा वसूल करे ए सरवा के पास आए रहे, हमहू के धक्का दे के उसे फेंक दी जैसे तोके फेंकी से, और हमहू है गिरे जहां आज तुम गिरे हो। लेकिन भैया हमहू ओकरे छाती पर मूंग दले खातिर ओकरे हवेली के सामने पान के दुकान खोल के बैठ गए। अब तुमहू वड़ा पाव का दुकान खोल के यहाँ बैठ जाओ, जब पैसा हमको नहीं मिला तो तोके का खाक मिलेगा। आपको अपना पैसा मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने दादाजी का पैसा लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। अरे ठहरा 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 भैया, जब तोके तुहार पैसा मिल जाए तो हमके 27,332 रुपया दिलाई दी है। दे दूंगा दे दूंगा। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? इसके घर में कौन कौन रहते?
एकरे घर में कुल मिला के 3.5 परानी है। 3.5? एक तो राज के सक्सेना, दूसरे होकर मेहररुआ, और तीसरे होकर आधे दमाका साला। ये तो 2.5 हुए। ओहो, एक होकर छोकरिया भी तो है। क्या बात करता है। हाँ। कैसी है वो? अच्छी है। जवान है? जवान है। खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। कहाँ है वो? गोवा में पढ़ती है। पटेगी क्या? ओए होए, पटती है छोकरी, पटाने वाला चाहिए। पटती है छोकरी, पटाने वाला चाहिए। तुम जैसी बहुत देखी। ये लो 1000 रुपए का नोट। इसका मैं क्या करूँ? सामने लॉन्ड्री है, कपड़े ड्राई क्लीन करा लेना। ये 1000 का नोट काहे के लिए? सामने लॉन्ड्री है, ड्राई क्लीन करा लेना। क्या? इनके कपड़े। लेकिन ये तो मेरे है नहीं। अभी हो जाएंगे। छोड़ो मुझे। मुफ्त में नहीं कर रहा हूँ, समझी ना? 1000 रुपए दिए मैंने इसको। तुम्हें मालूम है कि तुम तुम लड़की होकर 500 रुपए का नोट दे सकती हो, तो क्या हम मर्द इतने कड़के हैं? शायद तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बॉम्बे के राज के सक्सेना की बेटी हूँ। देखूंगी तुम्हें। राज के सक्सेना? जिस पार्टी को अंदर करना था उसी से पंगा ले लिया। जहाँ भी जाओगी मुझे ही पाओगी। मैं तुझे टेलर बना के ही छोड़ूंगा। अब्बू जान, मैं टेलर नहीं बनना चाहता। मैं इस दुनिया का सबसे महान डांसर बनना चाहता हूँ। हाँ। अरे हम खानदानी टेलर है, मैं तुझे लेडीज टेलर बनाना चाहता हूँ, डांसर नहीं। इसलिए तुझे यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग की कॉलेज में लेकर आया हूँ। चुपचाप खड़े रहो, मैं प्रिंसिपल साहब को मिल के आता हूँ। वाह मियां वाह, क्या जलवा है जनाब। वाह 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 वाह। दूसरा दूसरा। अरे क्या जोर जोर लगाया है? ये हमारा लड़की है, इसके पास मत आना, दूर से बात करना। अच्छा साहब, प्रिंसिपल साहब कहाँ मिलेंगे? हम ही है, ये फैशन डिजाइनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल हम ही है। बोलो। हमारे लड़के को भी ऐसा ही फैशन डिजाइन सिखाइएगा। चुना मार। लेकिन उस कम्बक को तो सुई धागे से नफरत है। डोरिया मार, बहुत गंदा है। डोरिया मार, हम तुम्हारा लड़के के कान में ऐसा सुई धागा डालेगा कि सौंपने में भी वो सिलाई करेगा। लेकिन वो तो बड़ा कमीना है। ओम भी है। वो तो नीच है। ओम भी है। हम का इतना को होता है। वो तो एक नंबर का कुत्ता है। ओम भी है। जनाब, वो तो लड़कियों को देखकर छेड़ता है। ओम भी लड़की को देख के छेड़ता है। क्या? सौंपने में। सपने में? सोच में छेड़ेगा तो मोर खाएगा। ठीक है ठीक है, अभी खमो को हंस के काय को टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी जल्दी से लड़के को भेजो, इंटरव्यू करेगा। अरे किरण, क्या कीचड़ उड़ाया उसमें, एकदम चंगू बना दिया। अगली बार हम लोगों से पंगा लेने से पहले वो कितनी बार सोचेगा। क्या हुआ किरण? जनाब आप इंटरव्यू लीजिए, उसका लीजिए। हाँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। की प्रॉब्लम? वो क्या है कि आप अपनी टांग उससे बचाइएगा, उसके हाथ में मत आने दीजिएगा। काय को? हाँ, क्या वो टांग खींच के पटक देगा? हाँ जनाब, उसने हमारे अब्बा हुजूर को इस तरह से पटका था कि उनके आगे के सारे दांत टूट गए। अब उसमें नकली दांत भी नहीं बैठते हैं। अरे बाबा, बहुत ही खोतानाक लड़का है। लड़का पैदा किया है कि पता नहीं क्या पैदा किया है। ठीक है, तुम उसको भेज दो, हम अपने पैर को संभाल लेगा। हाँ, संभाल लेना। हाँ, हुजूर। तुम जाओ, क्योंकि आप अच्छे आदमी है। हाँ, हाँ। कहाँ गया? ए बाबू, अरे बाबू कहाँ गया? सॉरी, कोई बात नहीं जनाब। बाबू, ए बाबू, मैं कमिंग सर। अरे बाबा, आ गया सोला टोंग खींचने। सर, मे आई कम इन? कमिंग कमिंग। हमारा टांगो हाथ नहीं लगा रहा, समझा?
लेकिन आपने अपने पांव ऊपर क्यों रखे सर? नो जरा बहुत चौड़ा बंदा है, हम टांग को नीचे करेगा तुम्हारा टांग को खींच के पटक देगा ना। कैसी बातें करते हैं सर आप, धोबी घाट की कोई मैली लूंगी हो जो मैं आपको पटक दूंगा? ए बोलो ना, तुम टांग को हाथ नहीं लगाना, हमको सब मालूम है साला, तुम हमारा टांग को खींच के हमको पटक नहीं देना मांगता है। सर चेला हमेशा गुरु के पैर छूता है, यही परंपरा है। बोला तुमको तुम्हारा टांग को हाथ नहीं लगाना, बोला तुमको, तुम सीधा खड़ा रहना। सर लेकिन मेरा एडमिशन सर? हो तुम्हारा एडमिशन कर दिया हो गया सर? हो गया सर। हॉस्टल का कमरा भी कर दिया, वो भी हो गया। सर रूम नंबर 102 में घुस जाओ। आ जाओ। थैंक यू सर। साला हाथ नहीं लगाना बोला तुमको, जाओ सीधा जाओ। Come on girls, quick, we have to do it quick. Pot change karte. Haan. Okay, come on, quick girls, get down to it. Quick girls, jaldi, come on. Haan, ye idhar lao, come on, quick. Jaldi, are baba. Chalo, jaldi. Nahi, haan. Boys hostel. अरे किरण जरा मेरी पीठ पर साबुन तो लगा दे। अरे 2 मिनट रुकना, मैं मलती हूँ। साबुन नीचे गिरा हुआ है, मेरी पीठ पे मल देना ना। है? प्लीज। ओहो मैं कब से चिल्ला रही हूँ बाबा, मेरी पीठ पे जरा साबुन तो लगा दे। अरे आज नाश्ता नहीं किया क्या? जरा रगड़ के मल ना। वाओ यू ना बात, भाई तो तेरे मोम जैसे हाथ आज मुझे लोहे की तरह क्यों लग रहे हैं मेरी रानी? मैं रानी नहीं राजा हूँ। क्या हुआ? किरण ये इडियट मेरे बाथरूम में घुस आया और साबुन उठा के मेरे पीठ पे मलने लगा। अच्छा तो उस दिन अपना मुंह साफ करके मेरे शर्ट पर चला गया और आज इसकी पीठ पर? देखिए मेरा यकीन कीजिए, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं गर्ल्स हॉस्टल में आया कैसे। इसका जवाब तुम्हें प्रिंसिपल साहब देंगे। दिव्या कंप्लेन एट वंस। हाँ चलो। सर मेरी बात तो शट अप, तुम लड़की लोग के हॉस्टल में कैसे घुसा? सर मैं लड़कियों के हॉस्टल में नहीं गया, मैं लड़कों के हॉस्टल में गया था सर। अच्छा उधर तुमको लड़की लोग मिल गया? सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बॉयज हॉस्टल में ही गया था सर। हम कितनी बार बॉयज हॉस्टल में गया, हमको कभी कोई लड़की नहीं मिला, तुमको मिल जाता है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। तुम सोची बोलो तुम उधर क्या किया? सर पहले मैं अपने कपड़े निकालकर शावर में घुसा, फिर इस लड़की की आवाज सुनाई दी। मेरा साबुन गिर गया, जरा साबुन देना प्लीज। यू लायर, मैंने ऐसा कब कहा? एक मिनट। हाँ फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे साबुन दे दिया और इसने कहा मेरे पीठ पर साबुन मल दो ना प्लीज। आई किल यू, मैंने ये सब कब कहा? तुम चुप रहो, हमको मालूम है लड़की लोग ये उम्र में ऐसा बोलता है। अभी तुम चुप रहो, इसको बोलने दो आगे की बोलो। फिर मैंने इसकी पीठ पर साबुन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन देखो तुम लोग अभी जाओ, तुम सब लोग इधर से जाओ, अभी शैंसा सीन चल रहा है, बच्चा लोग देखेगा तो खराब हो जाएगा। तुम लोग यहाँ से जाओ, हम इसको पॉनिश करेगा, जरूर करेगा, पॉनिश करेगा। अभी तुम लोग जाओ, सब जाओ, जाओ। कुछ सब चला गया, आगे बताओ फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा मेरी पीठ पर साबुन मल दो। और तुमने मल दिया? हाँ सर। फिर मैंने उसके पीठ पर मलना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे। उड़ी बाबा। अरे ये तो जा रहा है, शावर से जोर दे रहा है, साबुन बदन पर मौल रहा है, पूरा बदन जल रहा है। की रे आपने उस लड़की को बिना पनिशमेंट के छोड़ दिया? हम उसको फास्ट वार्निंग दे दिया है, शॉवर से जॉल सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया। ये हमारा स्टाइल है, हम सबसे पहले फास्ट वार्निंग देता है, फिर सेकंड वार्निंग देता है, फिर थर्ड वार्निंग देता है। आप थर्ड वार्निंग तक इंतजार करेंगे? जब तक हमारा पर्सन लॉस नहीं होता तो हम 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th वार्निंग दे सकता है।
7, 8, 9, 10th वार्निंग। पूरा बदन झड़ रहा। क्या होगा? मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। ये वक्त उसे सबक सिखाने का नहीं है, रिहर्सल में जाने का है। चलो चलो यार, जल्दी चलो। हराम खोर, 3 महीने हो गए, मेरी चेकबुक गायब हो गई, मेरे बैंक से लाखों रुपए जा रहा है, किधर जा रहा है सब? जीजा जी, चेकबुक लापता होने पर उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने तेरे को स्टॉप पेमेंट का लेटर दिया था, उसका क्या हुआ? वो लेटर भी छीन लिया गया, चेकबुक भी छीन ली गई। छीन ली गई? जी। किसने छीनी? आपकी बेटी ने। मेरी बेटी ने? हाँ, आपकी बेटी ने, आप पर गई है ना। अब समझ में आया कि मेरा लाखों रुपया हर महीने कहाँ जा रहा है। मतलब मेरी बेटी मेरी नकली साइन करके बैंक से रुपया वहाँ ट्रांसफर कर रही है। मैं भी अभी इसी वक्त जाकर वो अकाउंट क्लोज करता हूँ, चल मेरे साथ। आमखा, आपने थप्पड़ मार दिया मुझे। ज्यादा बोलेगा तो और मारूंगा। सुनिए जी। क्या है बे? मैंने नहीं बोला दीदी। मैं जब किसी नेक काम से बाहर जाता हूँ, ये कोयल पीछे से कूक देती है। जी जी, अगर मेरी दीदी कोयल है तो मैं क्या हुआ? कोयला क्या है? देखो, आपने कहा था ना, ये चूहे के कुतरे हुए बिस्किट मुझे नाश्ते में देना, और आप ही भूल गए। अभी मैं इसको खाऊं या छोड़ जाऊं, रहने दो ना। अब तो ने पीछे से आवाज दी, जरूर कोई ना कोई मुसीबत आएगी। घंटी घंटी बजी है आप। संभाल के। हेलो राज, राज सक्सेना। अरे बेटा, मैं तेरी नानी बोल रही हूँ। अरे सत्यानाश, नानी मैंने बोला था ना। नानी क्या है? बेटा, कोर्ट की आखिरी तारीख आ गई है, ये करोड़ों की जायदाद का केस मैं जरूर जीतूंगी। अरे ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमें जरूर मिलेगी। अरे तुम जीतो हारो मुझे क्या लेने देना है? ओहो, मैंने कहा ना, मुझे वकील को आखिरी इंस्टॉलमेंट देनी है, 70,000 रुपए की जरूरत है बस। हेलो, इस रूट की तमाम लाने व्यस्त हैं, अपना फोन बंद कीजिए। इस रूट पे फोन मत कीजिएगा, लाइन में पानी घुसने वाला है, अगर आप फोन करेंगे तो पानी आपके मुंह पे लगने वाला है। फोन बंद कर दीजिए और कभी भी फोन मत कीजिए। इसके बाद मोबाइल लीजिए और मोबाइल भी यहाँ मत कीजिए, वरना आपको परेशानी का मुंह देखना पड़ेगा। अरे तुम कौन बोल रहे हो? मैं टेलीफोन में रखा हुआ मैसेज बॉक्स बोल रहा हूँ। मैसेज? ऐसा क्या मैसेज है? मैं ऐसे ही मैसेज बॉक्स हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? दोबारा यहाँ फोन मत करना। टिंग टोंग। उफ, मैं इन 3 नारियों से परेशान हूँ। एक मेरी नानी जो हमेशा पैसे मांगती रहती है, एक ये जो पीछे से आवाज देती रहती है, और एक मेरी बेटी जो लाखों रुपए बर्बाद करती रहती है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तुम यहाँ? लव का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। क्या मतलब? अगर आप मेरा ये फूल अपने बालों में लगा लेंगी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। माफ तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या है शर्त? कि तुम बाहर चल के अपनी आंखें बंद करके 14 कदम चल के मेरे पास आओगे और ये फूल मेरे बालों में लगाओगे। मंजूर? मुझे मंजूर है। रेडी? रेडी। आर यू रेडी? रेडी। तो आंखें बंद कर लो। कर ली। अब आगे बढ़ो और 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 कमान। अरे रे, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, आओ ना, आओ और नजदीक आओ, आओ ना, आओ। वेरी नाइस, तुम जरा झुक कर ये फूल मेरे बालों में लगा दो। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फूल लगाने से पहले तुम अपनी डार्लिंग की तारीफ नहीं करोगे? I love you. You're so beautiful. I've never seen anything as beautiful as you. I love you. I love you. तुम्हारा कितना अच्छा पार्टनर है, डांस कराओ, डांस कराओ, डांस कराओ। याद रखना, इमामी फैशन शो में किरण के साथ मैं ही डांस करूंगा। ड्रीम मैच, सपने में। लगी शर्त? शर्त लगे। अगर मैंने किरण के साथ डांस करके दिखा दिया तो तुम अपना मुंह काला करके इस कॉलेज के 10 चक्कर लगाओगे। अगर तुम हार गए तो बोलो, जल्दी बोलो। तो मैं 10 चक्कर लगाऊंगा। डन, बॉबी टोपी का वादा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6. किरण, किरण तेरा फोन? मेरा फोन? जाओ,
हेलो हेलो किरण बेटी, मैं तेरा डैडी बोल रहा हूँ। बड़ा बुरा हाल हो गया है बेटा मेरा। What are you saying, Dad? नुकसान एक ऐसा हथौड़ा है बेटी कि जब सर पे पड़ता है तो झटका नाक पे लगता है और पानी आँख से निकलता है। Oh, no. अपने घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया बेटी, सारे काले पीले पेपर सब पकड़े गए बेटी, सारा कैश पैसा सब इनकम टैक्स कमिश्नर ले गया। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटी, अपनी प्रॉपर्टी घर बार गाड़ी बाड़ी सब नीलाम होने वाला है बेटी। मुझे बचा ले बेटी, मुझे इस इनकम टैक्स ऑफिसर से बचा ले। डैडी मैं इसमें आपको कैसे बचा सकती हूँ? बेटी जिस ऑफिसर ने हमारे यहाँ छापा मारा है उसका बेटा तेरे कॉलेज में नया नया एडमिशन लेकर आया है। नया नया क्या नाम है उसका? तेरे बाप का हम नाम है बेटी, उसका भी नाम राज के सक्सेना है। लेकिन आप चाहते क्या है? बेटी तू उसको मेरी खातिर पटा ले, अगर बेटा तेरे हाथ में आ गया ना तो बाप मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन डैड। बेटी तू मुझसे डिस्कशन मत कर। ओके डैड, डोंट वरी, आई विल डू इट। थैंक यू बेटा। आई क्या? आ रही है। Who's this? Your love, Kiran. My love, Kiran? ये अचानक? ये दिल कभी भी कहीं भी टर्न ले सकता है। ये फूल ले लो और दिल दे दो। फूल भी लूंगा और दिल भी दूंगा, मगर एक शर्त पर। वो क्या? वही, आंखें बंद करके 14 कदम चल के मेरी तरफ आओ, ये फूल मेरे टी शर्ट में लगा दो और फिर गिव मी अ किस। हाँ हाँ मुझे मंजूर है। एक मिनट, फूल लगाने से पहले कुछ बोलोगी नहीं? I love you, Raj. मजा आ गया। किस्मत खुल गई हमारी। ये सब क्या है राज? मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, मैं चला। राज मैंने तुम्हारा मजाक किया, तुम्हारी हंसी उड़ाई, लेकिन आज मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। सच? सच। और मामी गोल्डन ब्यूटी नाइट में तुम्हारे साथ ही डांस करूंगी। वो मेरे बॉबी, ये क्या तमाशा बना रखा है? हा? तमाशा? मैंने शर्त लगाई थी कि सिर्फ तुम मेरे साथ डांस करोगी, मगर तुमने राज के साथ डांस किया, मैं शर्त हार गया और उसी की सजा भुगत रहा हूँ। Everything is fair in love and war. Not again, Kiran. Not again. Raj, छोडूंगा नहीं तेरे को मैं। अबे कौन बोल रहा है? बे? बेटी बाप को बे बोल रही यार। बे यानी गुजराती ना बे। दो दो दो। अबे उसको गुजराती कहाँ आती है? नहीं आती। हेलो? मैं कौन? अबे मैं बोल रहा हूँ तेरा बाप, तेरा डैडी। अरे डैडी आप इस वक्त फोन? मैं एक पहचान वाले के आया था, एसीडी खुला हुआ देखा तो चुपके से गोवा फोन लगा लिया। Dad, you're too much, Dad. अरे काय का टू मच, ये तो मेरा पुराना कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है? लानत है? नहीं, अपने आप, अपने आप पे लानत है। Dad, वैसे आपने जो बोला था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही कर डाला। मैंने क्या बोला था? Dad, समझा करो यार, वही लड़का पटाना, घुमाना फिराना, यहाँ वहाँ लेकर जाना, चक्कर चलाना। हाँ मैंने सब कुछ कर डाला Dad, सब कुछ कर डाला। कौन सा लड़का, कौन सा चक्कर, तेरा दिमाग खराब है? मैंने क्या बोला था? अरे डैड अभी तो दो दिन पहले आपने कहा था। पागल हो गई है, मैं तो खुद दो दिन से घर ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई एसटीडी खुला मिले, आज मिला तो मैंने चौका लगा दिया। एक मिनट, मतलब दो दिन पहले आपने फोन ही किया था? बिल्कुल नहीं।
किरण 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 आके खोलो, किरण 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 आके खोलो प्लीज किरण। वाह, मेरी नकली साइन करके तूने मेरे बंबई के बैंक का सारा पैसा गोवा की बैंक में ट्रांसफर भी कर लिया। डैडी, बेटियां होती है रुपए उड़ाने के लिए, अगर हम नहीं उड़ाते तो आप कमाते कैसे? अरे तो क्या पूरी तिजोरी उड़ाएगी तेरी शादी के लिए? डैड, चिल आउट, नो टेंशन, दहेज का, शादी का, नो टेंशन एट ऑल। क्या मतलब, तूने तूने शादी का कोई अरेंजमेंट कर लिया क्या? दूल्हे के साथ। दूल्हे के साथ? अरे डैड, एक ऐसा दूल्हा जो आपसे एक दहेज बिल्कुल नहीं मांगेगा। अच्छा, और जिंदगी भर आपकी सेवा करेगा। ये कौन सा दूल्हा है? कभी मुझे भी उसके दर्शन करा? कभी क्यों, अभी कराती हूँ। मैं तो कहती हूँ अपना दिल थाम लीजिए और अपनी आंखें भी बंद कर लीजिए, इतना खूबसूरत है वो। अच्छा तो बोला ना, दूल्हे राजा आ जा आ जा आ जा। अबे मुझे तो बोलने दे, बोल दे, काफी है बस। राजा जा, गले तो मिलो। अरे वाह, कितना ठंडा लग रहा है। मुख का दूल्हा है ना, ठंडा लगेगा ही। चुप है, अभी थोड़ी देर में गर्म लगेगा। बिल्कुल नहीं जी दादी, बस बस हो गया हो गया। नहीं नहीं, मेरे को दामाद बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं। अरे जाने दीजिए ना। नहीं नहीं, रहने दे। अरे दामाद है वो आपका। अरे बेटा तू क्या करता है, जाने नहीं, खड़े रहना। वही रहेगा, वही रहेगा, खड़े रहना। डैडी अब आप आंखें खोलेंगे। अरे मेरा दामाद कहेगा ये साला मेरा नौकर नहीं बन सकता है, मेरा ड्राइवर, मेरा बावर्ची नहीं बन सकता। किधर है जूता मेरा, किधर गया? ये साला मेरी बेटी को सीढ़ी बनाकर मेरी तिजोरी तक पहुंचा जाता है, किधर गया? ससुर जी, जो आप सोच रहे वही होने वाला है, ससुर होने वाला है, दामाद हंसने वाला है। तेरी तब ससुर होने वाला है, दामाद हंसने वाला है। अबे हड्डी आराम, अगर दोबारा तू इधर आया तो मैंने तेरे को अगर मिलिट्री के जूते से नहीं पिटवा तो मेरा नाम बदल लेना। डैड ये क्या पागलपन है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे लानत भेज, ये कोई प्यार करने की चीज है? अरे वो तो उससे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करता है। अगर उसने मेरे पैसे को हाथ लगाया तो मैं उसकी हुंडी तोड़ डालूंगा। डैडी अब जो चाहे कर लो, लेकिन शादी मैं उसी से ही करूंगी। हाँ। सपने में नहीं करने दूंगा, अगर तूने सपने में उससे शादी की तो मैं उधर भी आके तोड़वा दूंगा। देख अभी तू मेरा सर मत फेरा, तू अंदर जा, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अंदर जा। ओफो, क्या लड़की है। अपने काम भाई, अपने भी है ना, धनी राम क्या चलते हैं, वहाँ जाके शादी पक्की करते हैं। एक बार फिर सोच लो जीजाजी मेरे कहने पे। हम जो भी फैसला करते हैं सोच समझ के करते हैं। ओफो, मैं जब भी किसी ठीक काम के लिए बाहर जाता हूँ पीछे से आवाज देकर सत्यानाश कर देती हो। मैंने तो इसलिए आवाज दी थी कि आज के बाद मैं कभी पीछे से आवाज नहीं दूंगी। अब तुमने आवाज दी है, जरूर को गड़बड़ होने वाली है। बच गई। हेलो, हेलो, कौन? मैं नानी बोल रही हूँ मद्रास से।
मद्रास से नानी। मामला बहुत सीरियस है, कह रही सीरियस है। अबे कोई सीरियस नहीं, पैसे मांगनी फुटा उसको। अच्छा हाँ हाँ है। अबे तेरा सत्यानाश हो। हेलो मिसेस गुणकारी, तुम्हारी नानी। देखिए वो तो घर में है नहीं, मैं उनकी धर्म पत्नी बोल रही हूँ। क्या है, मैं तो आपके नवासे से शादी करके इतनी बर्बाद हूँ कि बता नहीं सकती। उन्होंने सारी दुनिया का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लिया है और कर्जे से बचने के लिए खुद हिमालय पर्वत पे चढ़ के बैठ गए हैं। सुनावा जाके संन्यास लेने वाले हैं। मुझे तो डर लगता है वो आकर के बर्फ बन जाएंगे और जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बन के बह जाएंगे। दोबारा यहाँ फोन मत कीजिए, मैं रखती हूँ। जय हिंद। उल्लू का पटा चल। आपके नवासे राज सक्सेना ने तो आपसे बात ही नहीं की। कोर्ट का केस लड़ने के लिए रुपया दिया करता था ना, रुपया देते देते तंग आ गया। जैसे मैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते तंग आ गई, बस उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। कंजूस मक्खी चूस। अरे बीवी की आवाज बदल कर मुझे बेवकूफ बनाता है। वकील साहब, उसे तो पता ही नहीं कि मैंने 50 करोड़ का केस जीत लिया है। मैं तो घड़ी दो घड़ी की मेहमान हूँ। वकील साहब जी, ये 50 करोड़ रुपया मेरे नवासे सक्सेना तक पहुँचा देना। जी। और उससे कहना नानी से नाराज मत हो। आप बस इस वसीयत नामे पर दस्तखत कर दीजिए, यहाँ जरा साइन कीजिए। अरे एक यहाँ बस। थैंक यू। हद है, आपके नवासे को आपसे बात तो करनी चाहिए थी। मिसेस गुणकारी, मैं सोच रहा। मिसेस गुणकारी, मिसेस गुणकारी, मिसेस गुणकारी। ये जीजा जी को क्या हो गया? जीजा जी। क्या करता है बे? ये कुत्ते के तेरे आप क्यों छुप रहे हैं? अबे कुत्ते का नाम मत ले। कुत्ता कोई खतरनाक जानवर है क्या? अबे मैंने गाड़ी से कुत्ता उड़ा दिया यार। गाड़ी से? बस के पीछे भागने वाला गाड़ी से कुत्ते को उड़ाएगा? अबे तेरी बहन जो दहेज में लेकर आई थी बिना ब्रेक वाली गाड़ी, उसे यार। ओ अच्छा वो वाली। लेकिन जीजा जी एक बात बताइए, एक मामूली कुत्ते को उड़ा दिया तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अबे वो मामूली कुत्ता नहीं था, मंत्री का कुत्ता था यार। मंत्री का कुत्ता? अरे रे 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 जीजा जी, उसकी वैल्यू तो इंसान से भी ज्यादा होती है। ऐसा बोल के डरा मत बे। नहीं सच्चाई है, इसको फेस करना ही पड़ेगा। तभी मैं सोच रही थी कि पुलिस स्टेशन से फोन क्यों आया है। पुलिस स्टेशन से फोन आ भी गया? हाँ, मैंने तो उन्हें आपका एड्रेस भी दे दिया। ये लो। अरे दीदी से पूछा होगा तो उन्होंने बता दिया, उसमें है क्या? अबे यार अब तो पुलिस भी आएगी। अबे क्यों नाम लेता है? वकील भी आएगा। अरे तेरा सत्यानाश। आ गई पुलिस, आ गई, मैं देखता हूँ। अरे ठहर, तू मनु से, मैं देखता हूँ कौन है। मनु से? भगवान करे पुलिस ही हो। ये तो पुलिस है। मैंने कहा था ना, आइए आइए आइए। ये रहे जीजा जी। अबे तू क्या कर रहा है? मैं देशभक्त हूँ, देश के कानून को धोखा नहीं दे सकता। जीजा जी खड़े रहिए, खड़े रहिए। ये रहे। एक्सक्यूज मी, यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि डेथ हो गई। डेथ हो गई? जीजा जी आपको 302 लगेगी, आप तो गए काम से। क्या सचमुच डेथ हो गई? जी वो मर चुकी है। फीमेल थी? कमाल कर रहे हैं, अब आप नहीं जानेंगे इस बात को तो फिर और कौन जानेगा? ओ तो आप इस मैटर के लिए आए? जी हाँ, ये मैटर बहुत ही सीरियस है और हम इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। हमें डर है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अजी अब गलती तो इंसान से ही होती है ना। गलती भी हो गई है। आपसे नहीं होती है क्या? होती है साहब, हम भी इंसान है, होती है। यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए पूरी छानबीन कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास राज के सक्सेना के एरिया का पूरा अता पता तो है लेकिन उसका सही सही एड्रेस नहीं है। और ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि आखिर ये राज के सक्सेना नाम का आदमी जो है, ये है कौन?
तो राज के सक्सेना पूरी बस्ती में मैं अकेला थोड़ी हूँ, और भी हैं। अच्छा हाँ? वो सामने वो तो एक नंबर का लुच्चा लफंगा, गाड़ी ऐसी तेज चलाता उसकी गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं है। हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमारे पास तो कोर्ट का ऑर्डर है। तो फिर जल्दी जाइए वो पान की दुकान पे, वही मिलेगा आपको, जल्दी जाइए नहीं तो निकल जाएगा। चलो जाइए जाइए। गए गए। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप में से मिस्टर राज कौन है? जी मैं राज। पूरा नाम? राज के सक्सेना। वेल्थ? बलराज के सक्सेना। ओह अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर ये ब्लॉक नंबर 17 कहाँ है? हे सुना, अरे ब्लॉक नंबर 17 में खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि ब्लॉक नंबर 17 कहाँ है? अरे ब्लॉक नंबर 17 यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाता है। अच्छा वहाँ वहाँ तक। हाँ, हाँ। और आप भाई साहब इसमें कहाँ रहते? जी मैं बस यही। नाम भी ठीक है राज के सक्सेना और वल्द भी ठीक है बलराज के सक्सेना, शक्ल से भी शरीफ है। ब्लॉक भी 17 ये भी ठीक है। अब मिस्टर राज आपके लिए एक बैड न्यूज है, डोंट वरी एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि आज के बाद आप करोड़पति हो गए, और बैड न्यूज ये है कि आपकी नानी की डेथ हो गई। राज तेरी नानी मर गई रे। लेकिन मेरी नानी तो 10 साल पहले मर चुकी है। अरे मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तू भी ड्रामा कर करोड़पति बन जाएगा। मेरी नानी मर गई। भगवान क्या कर दिया, राज क्या करूँ मैं, कहा जाऊँ? मिस्टर राज टेक इट इजी प्लीज। मिस्टर राज देखिए आप परेशान मत होइए, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए आप होइए मत, आपकी नानी ने आपके नाम का ये 50 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिया है। देखिए 50 करोड़? जी मेरा जी 50 करोड़। जी जी। और आपकी नानी का कुछ और सामान जैसे कि चश्मा, लाठी, शॉल, कपड़े वगैरह मेरे पास हैं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपको वो भी दूंगा। ओके जी मैं चलता हूं। काम का रुला दिया यार। काम का की बात करते हो? अरे दुई बूंद आंसू बहाने का 50 करोड़ रुपया तुम्हें मिल गया। क्या मतलब? अरे मतलब के नानी एहराज के सक्सेना की मरी है और नाम का फायदा ये हुआ कि 50 करोड़ रुपया तुम्हें मिल गया। इसका मतलब भगवान एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी है। मैं करोड़पति बन गया। जी यहाँ तक 200 रुपए बच गए। यहाँ तक 225 रुपए बच गए। हाँ 300 रुपए बच गए। 300 कैसे बे? 600 रुपए। 600 कैसे बच गए? अबे 300 तेरे 300 मेरे, 600 हुए कि नहीं? एक ही टैक्सी में दो आदमी बैठे तो अलग अलग पैसे थोड़ी देने पड़ेंगे। अबे जब मैं टैक्सी में बैठूंगा तो तू जैसे घटिया आदमी के साथ थोड़ी बैठूंगा, मैं अलग टैक्सी में तू अलग टैक्सी में। मैं भी कौन सा आपके साथ बैठने वाला हूँ, मैं थोड़ी बैठूंगा आप जैसे कंजूस के साथ। आप ऐसा करिए हमारी गाड़िया में बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देते हैं। मुफ्त में छोड़ देते हैं? अरे ये टैक्सी वाले बड़े दिल वाले होते हैं। बात दिलवा का ना है, बात है बिलवा का, और बिलवा तो हमको मिल ही जाएगा। बिलवा मतलब बिल। हाँ। ये बिल आपको कहाँ से मिल जाएगा? पागल खाने से। पागल खाने? जी हाँ पागल खाने से। ऐसा है पागल खाने वालों ने हमको बोला है कि शहर में कोई भी पागल घूमता मिल जाए तो उसको गाड़ी में बिठाना, हमारे पास लाना, हम तुमको बिल दे देंगे। तो बिलवा तो हमको मिल ही जाएगा। मुरली एक ही बात है बे, तू भी वही देख रहा है जो मेरी आंखें देख रही हैं? जी जी मैं भी वही देख रहा हूँ। इसका मतलब है आप लोग पागल नहीं हैं? अरे इसको मना करे यार। अभी तक तो नहीं थे मगर इस लड़के को देखकर जरूर पागल हो जाएंगे। अरे इस लड़के को तो हम पहचानते हैं। हाँ? इसकी नानी मर गई, करोड़ों रुपए छोड़ गई, दोनों हाथों से रुपया लुटा रहा है, वो देखो। दिख रहा दिख रहा भैया। अरे देख यार 500 के नोट बांट रहे पब्लिक में। हाय 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 हाय, काश उसकी जगह आप भिखारी होते। नहीं जी जी। अरे अरे इतने बड़े होकर रो रहे, 500 रुपए का नोट नहीं मिला इसलिए रो रहा? हट। मैं नोट के लिए नहीं रो रहा मुर्गी। फिर मुर्गी नहीं मुरली, रोते हो गलत नाम लोगे। एक ही बात है,
मैं नानियों को याद करके रो रहा हूँ। उसकी नानी है, उसको करोड़ों देखी गई। एक मेरी नानी है, कुछ नहीं दिया, गाली देती है, कोसती रहती है, पैसे मांगती रहती है। मगर एक बात है जी जाएगी, बहुत दिनों से नानी का फोन नहीं आया। कोई जरूरी है उसका फोन आ जाए? जब भी तेरी मनुज बहन पीछे से आवाज देती है, फोन की घंटी बजाती है। फिलहाल तो मेरी घंटी बज रही है। क्या? मुझे लगता है एक दिन ये लड़का जरूर आपका बैंड बजाएगा। सुनो ससुर, कांपता है, कांपता है। शेर अफलातूनी के सामने तो जंगल का शेर भी कांपता। बहुत चीजी है साहब ब्रदर। भाईजान, सलाम। हम पता लगा लिया है, वो एक जवान लड़का है, नाम राज के सक्सेना। पूरा 50 करोड़ का केस पार्टी। बोलते रहो, तुम अफलातूनी का भाई है, बोलो। भाईजान, वो बनारस से आए, विद्यानगर में रहता है, और पैसा पानी की तरह आता है। एकदम 50 करोड़ 25 करोड़ हमारा बनता। उसको समझा देना, हमारा हक का 25 को का दे दे और चैन से रहे। नहीं माने तो ये खून का एक फोटो उसको दिखा देना। दिखाएगा, मान जाएगा। आई। मैं क्या नाम है तुम्हारा? छोड़ यार। कुछ भी नहीं, दीदी का नाम भूल गए। अरे छोड़ यार। रेखा, वो बेटी को बुलाओ, लड़के वाले उसको देखने आए हैं। नमस्कार। हाय राम, ये लड़का है? अच्छा है। अरे ये लड़का नहीं है, वो ये लड़का है। ये लड़का है कि कड़का है? बुलाओ बेटी को, बुलाओ कि मैं लड़के वाले उसे देखने आए। अरे कहाँ से बुलाएं, वो तो कल की फ्लाइट से दुबई गई। क्या, शादी से पहले आपकी बेटी दुबई जाती है, वो भी अकेले? दहेड़ी लड़की में खोट है, दुबई वो भी अकेले। हमें नहीं करने ऐसे घर में शादी। चलो चलो, हमें ऐसे घर में शादी नहीं करनी है। अरे आपकी क्या बात, सुनो, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें ऐसे घर में शादी नहीं करनी। सुनो यार, अरे लानत है यार, अरे मेरी बेटी मुझसे पूछे बगैर दुबई जाती है मुझे पता तक नहीं है। आपको अपनी गंजूसी के नए फॉर्मूले बनाने से फुर्सत हो तो ना। मरने वाले बुड्ढों की लिस्ट बनाते रहते हैं दिन भर, आपको क्या मालूम घर में क्या हो रहा है। अरे मगर मुझे बताना तो सही कि बेटी दुबई चली गई। अरे वो वर्ल्ड टूर पे गई है। वर्ल्ड? तो लड़के वालों के सामने कहना चाहिए था कि वर्ल्ड टूर पे गई है, दुबई कहने की क्या जरूरत थी? दुबई उसका पहला स्टेशन है। अरे तो बोल देना था उस स्टेशन को। ओ, लगता है नए लड़के वाले आ गए, मैं देखता हूँ। नहीं तू ठहर, मैं आगे जाता हूँ, तू पीछे। सब उखाड़ दिया जीजा के बच्चे ने। हेलो जी, नमस्ते जी। जीजा जी, ये तो वही मुसीबत है, मगर आज तो मैंने किसी को भी नहीं उड़ाया। क्या है? भाई साहब, मैं वो सामने वाले राज के ससेना के यहाँ गया था, लेकिन वो वहाँ पर मुझे मिले नहीं। उनका कुछ सामान वगैरह लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। उसका नाम नहीं लेना यहाँ पर। क्यों? अरे इनकी बेटी को भगा कर ले गया वो। मेरी भी तो भांजी होती है, घर की बातें दूसरों को सुनाता है। कहाँ दूसरों को, मैं घर की बातें घर के अंदर ही तो कर रहा हूँ। बेशरम आदमी है। अरे सर, वो सब छोड़िए ना, जाने दो। देखिए सर, ये कुछ सामान है उनका, अगर आप रख लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। बाहर कचरे की पेटी में फेंको या नहीं। अरे इनको समझाइए, क्यों गुस्सा कर रहे हैं ये यूं ही? और फिर सामान कुछ ज्यादा नहीं है, एक छड़ी है, चश्मा है, शॉल है, और नानी की फोटो है, दैट्स ऑल। जीजा जी, बुजुर्गों की तस्वीर का अपमान नहीं करते, रख लेते। तू रख लेना तेरे पास। अच्छा लाइए भाई साहब, लाइए, प्लीज। मैं रखता हूँ। क्या नानी है जो अपने नवासे के लिए 50 करोड़ रुपए छोड़ गई। मैं भी ऐसी नानी की तस्वीर से आशीर्वाद लूंगा, शायद मेरी भी तकदीर खुल जाए। जीजा जी, इसका कहते हैं नानी, एक आपकी नानी है, कोई तस्वीर देखता ही नहीं। आप देख लीजिए इनकी तस्वीर, शायद आपके भी भाग्य खुल जाए। देख मुझे नहीं। अरे ये तो मेरी नानी है। क्या, ये मेरी नानी है? आपकी नानी? हाँ, तेरे सर की कसम मेरी नानी। मेरे सर की कसम मत खाइए, मेरा सर का फालतू है। ये मेरी नानी है यार। इसका मतलब आपकी नानी मर गई? अरे मेरी नानी नहीं मेरी, मैं मर गया। वो सारा फ्रॉड राज के सक्सेना मेरी बेटी के साथ मेरे 50 करोड़ भी ले गया। अरे वो पकड़ो, कोई फ्रॉड को पकड़ो, कोई पुलिस बुलाओ, कोई सीबीआई बुलाओ, कोई मिलिट्री बुलाओ, अरे पकड़ो मेरे 50। ये तूने मेरे 50 करोड़ रुपए गलत जगह पे दे दिए। सामान टूट जाएगा सारा। अरे सामान नहीं, तेले ने, तूने मेरे 50 करोड़ दे, मेरे 50 करोड़ दे।
अगर ये आपकी नानी की फोटो है और आपके 50 करोड़ रुपए उस राज के ससुराल के पास चले गए हैं, तो इसके जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं हूँ। मैं किसके जिम्मेदार हूँ? अरे कमाल है, मैं तो आया था आपके पास, आपने खुद ही कहा था कि मैं राज के ससुराल नहीं हूँ, वो तो हमारे सामने रहता है, वहाँ जाइए। आपने जब आपके कहने का अंदाज जैसा था जैसे आप मुझे गिरफ्तार करने आए। अरे साहब हम वकील लोग हैं, हमारा यही स्टाइल होता है। अरे ऐसा काहे को स्टाइल, मेरे 50 करोड़ रुपए गए, मेरे 50 करोड़ रुपए। अरे मैं कहां से दूंगा, मेरे पास 2 रुपए छुट्टे नहीं है। मेरे 50 करोड़ रुपए मैं लेकर आऊंगा। अरे कोई मेरी वर्ल्ड टूर की टिकट करा। You won the prize, ma'am. Well done. Yes, yes. Ye hamara, hamara, hamara. Forget it. Hi, baby. What the hell do you think of yourself? Teri to. Hey, stop it. Stop it. What's the problem? Huh? What's your problem? No problem. No problem. No problem. Get out of here. Move. Come on. Hello, I'm Ali from Africa. Raj from India. India? Yeah. Dara Singh's country? Yeah. Oh, I love India. I love India. Yeah? Oh, my Indian friend. I love India. My anytime you need me, I'll be your African friend. My Indian friend. You're my African friend. Okay. Cross-country friend. Yeah. You need me, man. I'll be there. I will. Okay, yeah. I will. Okay, you're my African friend. Bye. Mera kaam to ho gaya. Ayyo, Swami, tum humko bahut pareshan karta hai. तुम हमको छोड़ के बार बार किधर जाता है? तुम हमको केरल में पटाया, हम तुम्हारे लिए अपना बाप से अड़ गया, भाई से लड़ गया, चाचा लोग से लड़ गया, तुम हमको केरल से फौरन ले गया, हम कुछ नहीं बोला, मगर तुम हमको छोड़ के घोड़े जैसे किधर किधर भागते हैं? तुम पंजाबी, हम मलयाली, हम तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा, मगर तुम किधर है? हम तुम्हारा तोबड़ा नहीं देखे तो खाना कैसे खाएगा? जब 18 कमीना मारा था तब हमने जन्म लिया था। तुमको भूख लगाना, तुम्हें काम करो, अपना हस्बैंड को पूरा का पूरा खा जाओ, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा वो, ना होगा कोई प्रॉब्लम। अयो तुम अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में क्या क्या बोलते हैं? ये जो हमारा ब्रदर इन लॉ है ना, ये साला घोड़े के खानदान का है, हम भी अगर इसको पकड़ कर नहीं लाया तो हम भी खदे के खानदान का नहीं। अपने खानदान के बारे में कुछ भी नहीं बोलने का, हम घर में कुछ भी हो बाहर नहीं बोलने का। पर लमोने परे न तल्ले नमक को ले जब करना वाला आमा अवन तो टॉप एट तो वन्टे फटे ले बोले बोले फटे बोले ले जब तू जब तू जब तू ले जब बोले अच्छा सिस्टर ने उठा बिट्टू को लगता कर रहा इसका लेकर रहा ना तब मेरा नाम ले मेरा नाम। Yes, come on, Sardar. I'm getting late for the plane. Come on. इधर काय को आता है, उधर तुम्हारा सीट कवर बैठो। और तुम इंडिया जा रहे हो? इंडिया जा नहीं रहा, इंडिया को भाग रहा है मैन। भाग रहे हो? Yes. बीवी को छोड़ के? खाली बीवी को नहीं, अपना साला को भी छोड़ के। हमारा साला हमारा बीवी हमको बहुत टांग करता। टांग मारता है? टांग नहीं मारता मैन, वो डिस्टर्ब करता। क्या बोलता है उसको? ओ यस, शरेपान। शरेपान? यू लीव इट मैन, कम ऑन गाड़ी स्टार्ट करो, उनका ढेर होता मैन। इधर किधर, तुम्हारा सीट उधर है। लुक एट ही इज वॉकिंग लाइक दिस। ऐसा कैसा है, तुम गाड़ी भी ऐसे चलाएंगा? एयरपोर्ट आ गया, अब बीवी से भागो या साले से जान छोड़ो, मेरी जान छोड़ो। कम ऑन हरी अप, आ रही है सामान। लो जी सामान, 500 डॉलर, कीप द चेंज। साथ वो रही टैक्सी दे जाएगी। चले ओए, अभी क्या, अभी वापस आ गया और इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? टैक्सी चल, जल्दी सामान रख। क्या बात है साहब जी, आप तो इंडिया जा रहे थे बीवी से जान छुड़ा के। मैं? अरे मैं तो इंडिया से आ रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, आपको तो मैंने माइकल सिंह से पिकअप किया था। बता, अबे आप बात कर रहा है यार, ये तो पहली बार फॉरेन कंट्री आए हैं और कंजूस इतने हैं कि सपने में भी फॉरेन कंट्री नहीं देखते। क्यों? कहीं खर्चा नहीं हो जाए,
ये तो इनकी मजबूरी है जो यहाँ लेकर आई है इनको। ऐसे भी क्या मजबूरी है बता दो जी दादी, इनकी लड़की को एक लड़का भगा कर लेकर आया है। अरे तेरे कुछ शर्म है घर के बोल दुनिया के सामने खोलता है? जीजा जी जब बाहर वालों से काम लेना है तो उनको तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा बताइए। हाँ। अरे कहाँ जा रहे भाई तुम्हें? अरे सॉरी तुमने इन लोगों को कहीं देखा है? कहाँ देखा है? ओए हाँ, इन दोनों को तो मैंने होटल हिल पे छोड़ा है 10 दिन पहले। 10 दिन? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कह रहा था कि 8 दिन पेरिस में रहा हूँ, 12 दिन स्विट्जरलैंड में रहा हूँ, 18 दिन लंदन में रहा हूँ, और ऐसी बातें कर रहा था जैसे बहुत बड़ा करोड़पति है। अबे काय का करोड़पति, फकीर है वो, मेरे पैसों पे ऐश कर रहा है। तो एक काम कर, मुझे वहाँ लेके चल, मैं तुझे वो इनाम दूंगा जो आज तक किसी इंडियन ने दूसरे इंडियन को नहीं दिया होगा। अच्छा चलो चलो चलो। हाँ बेटी, मैं मम्मी बोल रही हूँ। मामा। मम्मी मैं राज बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारे डैडी इंडिया से निकल चुके हैं, 10 दिन हो गए तुम्हें ढूंढते ढूंढते, उन्हें मालूम हो गया तुम किस होटल में हो, वो पहुँचने ही वाले होंगे। तुम फिक्र मत करो मम्मी, अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया हमने, डैडी को भी ठीक कर देंगे। ओके बेटा। ओके राज, क्या करेंगे? मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या? चंद आंसू। पहलवान, हेलो माय अफ्रीकन फ्रेंड। हेलो माय इंडियन फ्रेंड, व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू आर लुकिंग वेरी सैड। बात ही कुछ ऐसी है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? टेल मी, टेल मी, आई विल हेल्प यू। यू विल हेल्प मी? यस यस, श्योर श्योर। Don't worry my friend, you can stay in my room, I'll stay in your room. Don't worry, here, take my key. It's okay. Thank you so much, thank you. No problem, no problem, it's my pleasure. मेरा काम तो हो गया। वाह जीजा जी, कहाँ ले आया ये? क्या होटल है, आलिशान, जबरदस्त। वाह 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 वाह। साहब जी, ये यहाँ का सबसे बड़ा रिजोर्ट है, मैंने उन दोनों को यहीं छोड़ा था। अबे किसी थर्ड क्लास होटल में ले जाकर नहीं छोड़ सकता था भाई, ये मेरे हाथ में कहाँ है? अरे सामान पकड़, वो लेके भाग रहा है। अरे जाने तो जीजा जी। अरे चलना उधर। ओके संभालो उधर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, चलिए। अरे साहब जी, अरे आप मुझे ऐसी चीज देने वाले थे ना जो हिंदुस्तानी ने किसी हिंदुस्तानी को नहीं दी। हाँ यार, मैं टेंशन में भूल गया, ठहर मैं देता हूँ। निकल निकल, ये ले। ये क्या भाई? ये सांडे का तेल है, पकड़ तो सही। कभी कितनी भी मार खाया हो, जूते खाया हो, किसी ने उठा उठा के पटका हो, इसको पूरी बॉडी पे लगा, आधा घंटे में दर्द खत्म, फिर मार खाने के लिए तैयार। बड़ा ही बेशरम तेल है। बस तू इस बेशरम तेल को देख, मैं जरा उस बेशरम को देखता हूँ। मेरे जैसे चलाक बंदे को तेल लगा गया, कमाल है। एक्सक्यूज मी। यस सर। मिस्टर राज के सक्सेना। राज के सक्सेना, ही इज इन 605 सर। 605? यस सर। 605, चल करेक्ट। ओहो देखा जीजा जी, कितने बड़े होटल में रह रहा है, आपके पैसों का तो हो गया कबाड़ा। अबे रहने देना, क्यों दिल जले को और जला रहा? यहाँ पर एक कप चाय का दाम कम से कम 350 रुपए होगा। मुंह बंद करना। और एक अंडा फ्राई का दाम तो होगा 500 रुपए। मैं तेरा मुंह नोट डालूंगा। इधर से, इधर से, इधर। आई आई आई।
जीजा जी, कमरा नंबर 605। डंडा निकल निकल निकल, तेल पिला पिला के लाए हूँ, जरा संभाल के चलाना। क्या मतलब? अरे लड़का यंग है, कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए। अबे चुप, वो फटका मारूंगा सीधा सिक्स पे जाएगा। ये बजरंग बली। कम इन। जीजा जी, इसकी तो आवाज बदल गई। मेरा हराम का माल खाया ना, इसलिए आवाज बदल गई है। डंडे मार मार के शक्ल बदल डालूंगा, तब पाट डालूंगा। तू टुकड़े जमा करना उसके। अच्छा, गुड लक। मर गया। ये तो जीजा जी की आवाज लग रही है। जीजा जी मार रहे हैं कि मार खा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जीजा जी, जीजा जी, मैंने आपको पहले कहा था संभाल के जाना, लड़का जवान है। जवान ने पहलवान ने बोले देख दिस कचर आउट। अच्छा मेरे बाप, सॉरी मेरे बाप। नॉनसेंस, बहुत मार है मेरे को। अबे कौन से बेडरूम में भेज दिया मेरे को? 605। मेरे रूम नंबर बराबर देखा था। देखिए, अब इस फॉरेन कंट्री में आकर आपका बहुत कचरा हुआ। चलिए अब यहाँ से चलिए। ओके ओके। अरे दे दे दे। चलिए ओके। हेलो जी, सांडे का तेल, जूते खाओ, मार खाओ, डंडे खाओ, आधे घंटे बाद फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छी बात है बेटा, मेरे अंदर ताकत नहीं है, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करता कि तेरा बाप भी याद रखता। जब ही तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ना, उस पर लगा ना, तेरी गाड़ी अच्छी हो जाएगी। चल तेरी। नहीं यार, मेरा डायलॉग मेरे को चिपका रहा है। बदतमीज। कौन? वो 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 आपने? वो मिला ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तू देखना। किसको? अरे वही, क्या नाम है उसका? राज। उसको इतना मारूंगा उसकी बॉडी में से म्यूजिक की आवाज निकलेगी। म्यूजिक? आइए जीजा जी, पकड़ लिया, पकड़ लिया, आ जाइए। छोड़ना मत। अरे छोड़ना नहीं है। हमारे साथ गद्दारी? अरे तुम्हारा बाप मुझे प्लेन में लेकर आया, आखिर थोड़ी वफादारी तो करनी पड़ेगी ना। अगर मुझे यहाँ छोड़ गया तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, सड़कों पे भीख मांगनी पड़ेगी। फिकर मत करो, उनके आते छोड़ दूंगा ना। पक्का? पक्का ना। हाँ पक्का पक्का। अरे जीजा जी, नहीं करूंगा। हाँ पकड़ लिया जीजा जी, आइए आइए आइए, पकड़ कर रख। अरे अरे कौन है? अरे चाहिए जाए देखो। अरे ये कौन दोस्त निकला जीजा जी का, पकड़ लिया। अरे सुनो सुन लो, मेरा जीजू मिल गया। अबे काय का जीजू क्या है, छोड़ मेरे को। कैसे छोड़ दूँ? मेरी सिस्टर ने आपके लिए करवा चौथ का उपवास रखा है। छोड़ दूँ आपको? नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे कौन सी सिस्टर मेरी बीवी है? अबे किसी भी औरत को मेरे ऊपर डालेगा तो मैं मान लूंगा क्या उसको? आप घर चलो, पता चलेगा। अंडे अलियन वानू भी चल अलियन वानू, अंडे अलियन वानू भी चल। ये तो हम किसको लेकर आया? इसको तुम क्या किया हमारे हस्बैंड को? कुछ नहीं, रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाला, इसको सुखाया, बेहोश किया, तुम्हारे पास लेकर आया। अयो ये होश में तो आएगा ना? नहीं आएगा तो दूसरा लेकर आएगा। अयो तुम कैसे बोलते हो मेरे स्वामी के वास्ते? तीन पट्टी नाया ये मैंने तो कर लिया। बेकू तू नहीं पा रहा है, रुक। देर हो, एक फोन करेगा। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो, मम्मी आज आपकी आवाज इतनी मोटी क्यों लग रही है? और मम्मी नहीं, मांगने वाले बोलते। मांगने वाले? राज किसी मांगने वाले का फोन है, जरा देखो तो। कौन से सिग्नल पर मांगते हैं आप भाई साहब? कभी इसका बच्चा, हम शेरा का छोटा भाई बोलता है, हम सुपारी का धंधा करता है, हमसे मजाक करना अपनी मौत से मजाक करना है। क्या चाहते हो? तुमको पॉकेट में 50 करोड़ मिला है ना नानी का, उसमें से 25 करोड़ आम को मांगता है। नानी के रिश्तेदार हो क्या? हम रिश्तेदार नहीं, हकदार है। हकदार है तो फिर बहस करने का क्या फायदा? कल आप होटल प्लांटेशन में आ जाइए, आपके हक का 25 करोड़ आपको मिल जाएगा। अच्छा किसका फोन था राज? कोई एक्सटॉर्शन का 25 करोड़ रुपए मांग रहा है। अब क्या करोगे? वही लाओ, करना पड़ता है। पानी सर और डालू? पहलवान माय इंडियन फ्रेंड, अगेन क्राइंग, अगेन लुकिंग सैड,
What's the problem? Tell me. What's the problem? Tell me. क्या बताऊँ आपसे तो मदद मांग मांग के मुझे शर्म आ रही है. Don't be shameful. Please tell me. Come on. Tell me what's the problem. बता दूँ. Yes, yes. Tell me. बता दूँ. Yes, tell me, please. बता दूँ ना. Yes, tell me. Come on. तो सुनो. Don't worry, my Indian friend. I will take care of everything. I will take care of everything. Sure. I promise. I promise. I will take care of everything. Sure. Don't worry. I will take care, man. मेरा काम तो हो गया. कोचा तुम देखो हम यहाँ ये सब खाने के लिए नहीं आया. हम पैसे वसूल करने के लिए आया है. नए खबीस का औलाद. माल का बात करो माल का. रिलैक्स मैन रिलैक्स. देता हूँ ना. अब देखो भाई अब फॉरन में माल कहाँ मिलेगा. नहीं मिलेगा ना. इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए किसी से माल लिया है. वो भी उधार. उधर लिया तुम. किससे लिया. उससे. लाओ लाओ ये लीजिए मिल्क शेक. बहुत अच्छा है. हिलता हुआ दूध आम को अच्छा लगा. लेकिन हम इधर पैसे वसूल करने के लिए आया है. खिदमत कराने के लिए नहीं आया. किधर है पैसा. बात करो. तो खिदमत करवा लीजिए ना. अच्छे से खा लीजिए क्योंकि बाद में आपको कमजोरी होगी ना. कमजोरी. हाँ खाने के बाद कैसे कमजोरी होता है. वो तो बाद में मालूम होगा ना. आइए आइए माल आपका अंदर इंतजार कर रहा है. आइए. कोचा तुम पहला कस्टमर जो किला पिला के पैसे देते हैं. और आखिरी भी. क्या बोला. कुछ नहीं. वो माल आपका अंदर इंतजार कर रहा है ना. अच्छा. वो खबीज का बच्चा हमको उल्लू बनाया. इधर तो कोई नहीं है. माल किधर है भाई जान. ओए हमारा माल किधर है. माल चाहिए. कौन है. माल चाहिए. चाहिए चाहिए. Security, hand them over to the police. Come on. Hey, come on. एक मिनट. माल कितना मिला. नहीं मिला. अच्छा चलो लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ. तेरे को छोड़ेगा नहीं मैं. चलो. My African friend. No, no, no problem. मेरा काम तो हो गया. देवदान पुत तग दे 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 दो तग दे दे दे. आयो स्वामी. हट काम वाली. आयो हम तुम्हारा घर वाली. शक्ल से तो झाड़ू वाली लगती है. ऐसा मत बोलो ना. आयो तुम हमारा पति. हम तुम्हारा पति नहीं है. तेरा दिमाग खराब है. मेरी पत्नी मुंबई में. मुंबई में. हाँ. आयो एक पत्नी इंडिया में और एक पत्नी इधर. तुम दो दो पत्नी रहते हैं. हम तुम्हारी चटनी बना देते हैं. अरे तू चटनी बना इडली बना. मेरी पत्नी मुंबई में. तू नहीं है. आयो तुम भूल गया थी. तुम हमको केरल का डिस्काउंट मिला था. कितना पैसा खर्चा किया था. कितना मजा आया था ना. एक मिनट. मैंने तेरे ऊपर पैसा खर्चा किया था. रॉन्ग नंबर. मैं एक नंबर का कंजूस आदमी हूँ. मेरा पैसा गटर में गिर जाए तो उसको निकाल के चूस के जेब में रखता हूँ. तेरे ऊपर पैसा खर्चा करूंगा. तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो. आयो स्वामी अब हम तुमको देख लिया. अब हम कुछ खाएगा. जहर खा ले. बोल तो मैं. अरे वो कौन है. ये तो गई. मैं चलूं नहीं तो मैं फंस जाऊंगा इसके चक्कर में. मिले. मिलेंगे कहाँ से जीजा जी. वो दोनों आज की फ्लाइट पकड़ के इंडिया चले गए. चले गए. हाँ जी चले गए. कौन सी फ्लाइट से. एयर इंडिया से. तो एक काम कर. हैं? दूसरी फ्लाइट का इंतजाम कर. हम लोग अभी इंडिया चलते हैं. पर मैं जाकर उस वकील की गर्दन पकड़ लूंगा. उसकी गर्दन तोड़ डालूंगा. उसके कपड़े फाड़ डालूंगा. दांत काट काट करके उसको नीला कर दूंगा. बल्कि समझोगे. ए वकील. अबे तेरा सत्यानाश हो. वो किधर गया. मेरे को 50 करोड़ का फटका देने वाला तेरा वकील किधर है. साहब नाने को बैठे ऊपर वाले कमरे में. मेरे को सूखा करके खुद गीला होने गया. मैं उसको नीला पीला कर डालूंगा. साहब 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 बाथरूम में मत जाना. बाथरूम में कड़ी नहीं है. अबे कड़ी क्या. मैं दरवाजा खा जाऊंगा. अरे अरे साहब कहां जा रहे हो. ये वकील. अबे तेरा सत्यानाश हो. किधर गया रे वकील. अरे तू अंदर कैसे आ गया. अंदर कैसे आ गया. अबे मैं टब में आ जाऊंगा. अरे तू 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 रोकन भाई. अरे मैं 50 करोड़ हूँ. 50 करोड़ बचा लिया. उठ राजी. एक मिनट टॉवल ले रहे. टॉवल.
अरे मत निकलो यार। मैं तेरे को नंगा पूरा शहर में घुमाऊंगा। मेरे 50 करोड़ निकाल। अरे 50 करोड़? कौन से 50 करोड़? अरे मत निकलो यार। तेरे को टीवी पे लेके जाऊंगा देख। अरे मत नंगा हो यार। 50 करोड़ रुपया निकाल। वो तो दे दिए भाई। तेरे बाप का माल था क्यों दिए? मेरी नानी की विल निकाल। कौन सी नानी की विल? मैं नंगा हूं। मेरी नानी की विल तेरे को याद नहीं है? मेरी नानी की विल। अबे देता हूं टावल तो दे। टावल नहीं दूंगा, पहले तू नानी की विल दे। अच्छा मैं विल लेकर आता हूं, टावल तो नहीं, तू भाग जाएगा। कहां नंगा आदमी कहां भागेगा? क्या भरोसा है? मैं इधर ही खड़ा हूं, जल्दी ना। अच्छा मैं आता हूं। मैं भागूंगा तेरे पीछे। आज तक किसी लड़की ने नंगा नहीं देखा, इससे देख लिया। मैं विल ले अपनी टावल। अब इस विल के बेस पर मैं कोर्ट में जाऊंगा, छोटी कोर्ट में जाऊंगा, बड़ी कोर्ट में जाऊंगा, ट्रायंगुलर कोर्ट में जाऊंगा, लंबी कोर्ट में जाऊंगा, राउंड कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा। और कोई कोर्ट है तो उसका भी नाम बता। दो कोर्ट और भी है। कौन से? रेन कोर्ट और ओवर कोर्ट। मैं उधर कुछ नहीं भाई, जाओ भाई जाओ, जहां मर्जी जाओ। मैं सब कोर्ट में जाऊंगा, अपने 50 करोड़ वसूल करके रहूंगा। तू देखना नंगे वकील। अबे तू क्या कोर्ट में जाएगा बदतमीज आदमी, तेरे खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा। अरे मेरे घर में तू इस तरह घुसाया, मैं आवाज उठाऊंगा, केस करूंगा। आवाज बाद में उठाना साहब, पहले गिरा हुआ टावल तो उठाओ। कहाँ गए बे? बाहर निकल। 420। ए मक्कार, ए फ्रॉड, 400 अपराध की औलाद, बाहर निकल। अभी मैं आया हूँ, मेरे साथ बात कर। चल बे, मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आ। मगर साहब को पूछो भी ना। अरे कौन साहब? हाँ? मैं साहब हूँ इस घर का, मैं मालिक हूँ, ये बंगला मेरा है। चल लाता हूँ जी। जूता साफ कर बे। मैं आपका जूता साफ करूं? अबे करता है कि बाल उखाड़ के गंजा बना दूं? चल करता हूं करता हूं। ए क्या उसको बोल, आफत आई है। सादी आपका नाम आफत है? अबे मैं उसके लिए आफत हूं, जाता है कि पटकूं इधर? नहीं नहीं जाता हूं। साला किधर से पकड़ के लाया इसको? वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम ससुरजी। ये सौरभ मोदी की तरह क्यों हंस रहे आप? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तेरे रोने का वक्त आ रहा है। आप मरने वाले? नहीं मैं नहीं मरने वाला, तुझे मार के मरूंगा मैं। अच्छा? तेरी एक दिन की सल्तनत खत्म, तेरा यहाँ से पत्ता कटने वाला है। अच्छा? जब देखेगा मेरी नानी की विल तो पुराने सूखे पत्ते की तरह फट जाएगा तेरा दिल। नानी की विल दिखाऊं? ये रही मेरी नानी की विल। ये विल है? और नहीं तो क्या, दूध का बेल है ये? असली है? Are you sure? 100%। दिखा ना। क्या देखना, दिखाने का क्या है ना ये? ये क्या किया तूने? ये तूने क्या किया? जैसे आपने मेरे दादाजी की रसीद खा ली थी, वैसे मैंने आपकी विल खा ली। अबे मगर तूने 50 करोड़ की रसीद खा ली। मैं तेरे को कच्चा खा जाऊंगा, मैं तेरे नाम से आत्महत्या करूंगा, भूत बन के आऊंगा, फिर तेरे को खाऊंगा, मैं तेरा पूरा घर खा जाऊंगा। आवाज नीचे। अच्छा क्या बोला? अरे आवाज नीचे, चुप। तू मेरे चुप बोलता है? चाहते हो कि मारू धक्का? तू मेरे धक्का मारेगा? अरे मैं नहीं, मैं नहीं, कुत्ते। कुत्ते? ए हाथ नहीं लगाना। अरे नहीं नहीं कुत्ते। रॉकी रैम्बो कम बेबी कम से हट जाओगे। फ्रॉड बेईमान, 420 तेरे 50 करोड़ खा गया, तेरे को 50 करोड़ कीड़े पड़ेंगे, तेरा एक एक बाल गिर जाएगा, तेरा टकला निकल आएगा, तेरे को 50 करोड़ ऐसे कलीगढ़ के साइज के कीड़े पड़ेंगे। हराम कौन, तू जिस दुकान पे जाएगा वो दुकान तेरे ऊपर गिर जाएगी, बल्कि पूरी बिल्डिंग तेरे ऊपर गिर जाएगी। हराम कौन, तेरे को पैसा एक भी हजम नहीं होगा। क्या हुआ अंकल, ये नए नए स्टाइल में लेटेस्ट बदवाए किसको दे रहे हो? आराम को, मेरा 50 करोड़ रुपया खा गया। तू एक काम कर, मेरे को बाजार से जहर ला के दे, मैं तुझको पिला के मर जाना चाहता हूँ। क्या अंकल, अगर वो कांटों ने आपका 50 करोड़ रुपया खाया, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो आपके पैरों पे गिर के आपकी नानी का एक एक रुपया वापस कर देगा। अगर नहीं किया तो मैं बाजू वाली की औलाद नहीं। तू बाजू वाली की औलाद है? फिर अपने को क्या करने का है? तू मेरा खाली 50 करोड़ ला के दे, तू किसी की भी औलाद निकल, तू ला के दे सकता है ना? अगर मैंने आपका पैसा वापस ला के दे दिया तो आप मुझे क्या देंगे? वो 50 करोड़ छोड़ के तू कुछ भी मांग, मैं देने को तैयार। बोल तो अभी कोर्ट उतार के देता हूँ। आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? बेटी का हाथ? अरे बेटी क्या, तू बोल तो मेरी बीवी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। तू उसको ले जा, बहुत तंग करती है मेरे को यार। मुझे चमेली चाहिए, कोई नहीं। मतलब चमेली? मुझे आपकी बेटी चाहिए, बेटी। अच्छी बात है, तुम मेरे 50 करोड़ लेकर आ, किरण का हाथ तेरे हाथ में दिया। आप देखना अंकल इस बॉबी टोपी का कमाल।
24 आवर्स। ये आंखें टेलीस्कोप की तरह उस कमीने पे होगी। कौन कमीना? राज। तो आज उधर देखा ना, मेरे को भी दिखा रहा है। गुंडे हो? हाँ। अरे यार, ये क्या AK-47 के जमाने में तुम लोग सब्जी काटने की छुरी लेके घूम रहे हो? कमाल कर दिया। छी नहीं बोलने का। चाकू नहीं, चाकू नहीं, मेरे को चाकू से बहुत डर लगता है। चाकू नहीं प्लीज। ए, पिचट। अरे तुझे चाकू से डर लगता है? बहुत डर लगता है। हा? ये देख बम, तुझे मारने काटने और तेरे चीथड़ उड़ाने के लिए। हे राज, ये लातों के भूत लगते हैं, बातों से नहीं मानने वाले। तो फिर सोच क्या रही है? हो जा शुरू, हो जा, हो जा। हाँ, स्टार्ट करें। ये लो अभी। एक मिनट। तुम लोग लड़की के हाथ से मार खाओगे तो शर्म आएगी कि नहीं? शर्म आएगी ना। अरे तुम लोग झूठ बोलो, सच बोलो ना। अरे सच बोलना है तुम लोग, तुम्हें मेरे हाथ से मार खाओ ना यार। मुझे माफ कर दो। हाँ, करता हूँ। पहले अपने लूले लंगड़े साथियों को तो लेके आ। हाँ, अभी लाता हूँ। बहुत मारा बाप, सब आ गए। मुझे मारने की सुपारी तुम लोगों को किसने दी थी? सब वो बॉबी टोपी ने सुपारी दी थी। अरे क्या कर रहा है? कितने में? सब 20,000 रुपए। 20,000 में? ठीक। अरे इस महंगाई के जमाने में इतने कम दाम में तुम लोग बिक गए? अरे यार अपना भाव बढ़ाओ ना। अरे सुनो, मैं तुम्हें 40,000 देता हूँ। 40,000? जाके उस बॉबी टोपी को मारकर मेरे पास ले आओ। 40,000? 40,000। मेरे पास लेना। अब भी लेके आता हूँ साहब। चल आप इधर बैठो। अरे क्या कर रहे हो? अरे पार्टी बदल ली क्या? अरे अरे क्या पैसे दिए? 20,000 रुपए। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं राज के सक्सेना के कहने पे तुम्हें पीटने आया। किरण, आज से तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे जीजा जी। मुझे माफ कर दो, बहुत मारा लगा मेरे को। अच्छा, माफ कर दूंगा, पर एक शर्त है।
वो कोई बॉम्ब बॉम्ब के बारे में बात कर रहा था। ये लीजिए साहब बॉम्ब। हाँ ये जो बॉम्ब है ना मेरे होने वाले ससुर के घर में रख देना। ओके जो You want to kill my father? Oh, I'm not going to kill your father. ये मारने वाला बॉम्ब नहीं है, ये तो फटने वाला बॉम्ब है। Super. Uncle, uncle. कौन है बे? Uncle मैं। कौन मैं? लो, जीजाजी, कैसे कैसे रिश्तेदार हैं आपके? गांव से चले आते हैं भीख मांगने के लिए। मैं कुछ मांगने नहीं, कुछ देने आया हूँ। देने आया? तो पहले क्यों नहीं बोला? देने आया, चलना। अरे तू ये क्या हुआ? अच्छा खासे कपड़े पहन के गया था, ये सब फट कैसे गया तू? अंकल काम हो गया मेरा। काम हो गया, हो गया अंकल। और दुश्मनों का क्या हाल है? मेरी हालत देख के आप दुश्मनों का अंदाजा लगा लीजिए अंकल। वो भी फट गए होंगे और वो 50 करोड़ रुपए। अंकल ये लीजिए आपके 50 करोड़। मैं चला इतने से? अरे बड़े नोट छापे गवर्नमेंट ने क्या? देख दो। हाँ हाँ अभी देखता हूँ। जीजाजी हाँ? ये 50 करोड़ नहीं है तो? ये बॉम्ब है बॉम्ब। क्या हुआ? लो जी जवानी में तो फूल फेंकते थे, तब हरी हरी सूझती थी, और अब हरी हरी गेंद फेंकते हो? दीदी गेंद नहीं है ये बॉम्ब है बॉम्ब। क्या उड़ाना तो जीजाजी को उड़ाओ, मुझे क्यों उड़ाती है? अरे मर गया, अरे निकालो, अरे अरे निकालो। खबीस का बच्चा, 6 महीना तुम हमको ये जेल में सड़ाया, अब हम तुमको नहीं छोड़ेगा। ओए राज इधर है तुम? राज सामने आओ। ओए खबीज का बच्चा, खबीज का बच्चा बाहर निकलो। ओए किधर छुपा है? और किधर छुप गया? ओए सामने आओ। ओए राज का बच्चा किधर चुप के बैठा है? कभी बाहर निकल। भाई जान यही है वो लड़का। ए छोकरा इधर आ। मैं इधर आ, इधर। ए चिलगोजा हमको पहचानता? मुलाकात हुई नहीं, मुलाकात नहीं हुई तो बात नहीं हुई, बात नहीं हुई तो पहचान नहीं हुई, पहचान नहीं हुई तो जान कैसे होगी? आग से मत खेल। मेरी आंखों में देख, तुझे तेरी चिता का आग नजर आएगा। मेरे काजल में देख, तुझे तेरी अर्थियों का राख नजर आएगा। अब चाहते क्या है? खजूर का औलाद तू हमारा बाइलो को फौरन का जेल का ताला दिखाया ना, लेकिन फिर भी हम तेरे को अर्थी पर नहीं डाला, क्योंकि हमको तुम्हारा 50 करोड़ में एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। 25 करोड़। कैसी बातें करते हैं, मैं तो आपको 25 पैसे भी नहीं दूं। छोकरा अगर तू ऐसा करेगा तो हम तेरा 25 टुकड़ा करके गोनी में डाल के खाड़ी में फेंक कर आएगा, मच्छी लोग तेरे को खाएगा। अरे रे 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 सरकार काहे जवान बच्चे के साथ आप घटापटी कर रहे हैं? अरे जवान खून है, उबल के बुलबुल बुलबुल की तरह उबल गया है। लेकिन आप परेशान न हो, जौन आपके दरकार है वो आपके मिली। ए मिली नहीं केंडा, हमको हमारा 25 करोड़ अभी चाहिए। अरे सरकार इतनी बड़ी रकम कोई खोली में रखता है का? अरे कल हम बैंक जाएं, पैसा निकाली और आपके रही। समझदार जी जी। कल शाम को हम आएगा हमारा 25 करोड़ लेने।
और शेरा का साथ कोई होशियारी नहीं, 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 नहीं सरकार माई बाप हजूर मालिक बिल्कुल होशियारी नहीं होगा। कल मिलेंगे। हट कर मुझा। प्रणाम। हम खेल का सला भूला नहीं है। घोड़ेगा नहीं तेरे को। कमाल है, मैं इनको 25 पैसे देने को तैयार नहीं हूँ और आपने 25 करोड़ देने को हाँ कहा। अरे मैंने एक बड़ी लंबी सोच करके एक छोटी सी हाँ की है, इसी में आपकी जीत है भैया। अरे ओ बिहार के बादशाह, अरे सबके मन के ललवा, अरे हमरे मन के मीठे हलवा, हम बोल रहे तुहार दोस्त राज सक्सेना। हाँ भाई का बताएं, एक लौंडा हमरे 50 करोड़ रुपए हड़प कर गया है, देने का डकार ही नहीं लेता है। अच्छा नहीं, हमको तो मालूम है तुम सरकार गिरा देते हो, इसको कहाँ गिराओगे, तहाड़ जेल में अंडा से। सर मुझे नहीं मालूम था कि आपकी पहचान इतने बड़े बड़े लोगों के साथ है। अब मालूम पड़ गया ना। हाँ, अभी डरा कि नहीं। हाँ हाँ, इसलिए तो पैसा प्रॉपर्टी बंगले के कागजात सब लेकर आया हूँ मैं। कहाँ? बाहर रखे हैं। अरे कोई लेके भाग जाएगा, 50 करोड़ में बाहर कर रहा है। अरे जीजा जी, जब आप अंदर हैं तो बाहर से कौन भाई का लाल लेकर भागेगा। एक मिनट। हाँ जी, कौन अंदर है? आइए आइए करोड़पति साहब आइए। अबे पहले करोड़पति बनने तो दे। बनने वाले है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं आप सबके सामने इनकी एक एक पाई लौटाने जा रहा हूं। ये रही इनके 8 करोड़ के बंगले की चाबी, जो मैं एक हफ्ते में खाली कर दूंगा, और ये रही इनकी गाड़ियों की चाबियां, जो कुल मिला के 9 करोड़ रुपए पूरे हो गए। राइट। ए, और कैश का पैसा? आपकी लाडली बेटी को गहने दिलाए, फॉरन में इतना खर्च किया उसके ऊपर, वो सब कौन देगा? तू देगा, तेरी गर्लफ्रेंड है, मैं काहे को देने लगा। निकाल कैश, निकाल पैसे, निकाल। 9 करोड़ का बंगला और गाड़ी, और ये रहा 16 करोड़ का ड्राफ्ट। ये तो खाली 25 करोड़ हुए, बाकी 25 करोड़ बोला ना बेटी पे खर्च किए। अबे तेरा दिमाग खराब है, 25 करोड़ रुपया बेटी पे? 25 करोड़ में 2500 बेटियां आती हैं, मैं नहीं देने वाला। तू मेरा पैसा निकालने तो तेरा हाल बिगाड़ दूंगा मैं। अरे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकता हूँ? अरे इसने नानी की वसीयत खा ली है ना। मेरे पास भी यादव जी है। वो तो झूठ मूठ का फोन था। तेरो कैसे मालूम बे? मैंने अपनी आंखों से सुना है। ठीक है ठीक, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इससे जो मिलता है ले लीजिए, भागते भूत की लंगोटी भली। अबे 25 करोड़ खा रहा है हमारे यार। मिल तो रहे हैं ना, बहुत कम है। ले लो ले लो, कोई और ले जाएगा। हाँ, लपक लो लपक लो। अच्छा मुसीबत मुबारक हो। काहे की मुसीबत में? शुशु बोल यार। बोलने से क्या होता है, जो होने वाला वो तो होके रहेगा ना। क्या होने वाला है? होने को कौन टाल सकता है। आइए अबे काहे की होनी, बोलना। शेरा भाई, अभी तो आपको विश्वास हो गया होगा ना कि हमें लूटा गया है। कल तक हम करोड़पति थे, आज चायपति भी नहीं। चायपति मत बोल। मेरा मतलब है, आपको चाय पिलाने के लिए घर में चाय की पत्ती तक नहीं। फोन लगा उसको, फोन लगा सक्सेना को। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं बकरे की तरह क्या कर रहा है, कटने वाला है क्या? हम कटता नहीं, काट देता है। कुत्ता है? कान खोल कर सुन। मैं बंद कान से भी सुनता हूँ, बकवास कर। चिलगोजे, तेरे को कल सुबह बंगला मिला? हाँ तो तेरे को काहे को जलन हो रही है? पैसा मिला? अबे हाँ ना, तेरे क्या करने का है? कुछ करने का, इसीलिए तो कबूल करवाता है। देखा शेर भाई, कबूल कर लिया ना, रुपया पैसा बंगला सब ले गवा ससुर। एक मिनट, तुम बहुत माल जमा किया तो तेरे बाप का क्या जाता है बे? उल्लू का बट्टा उल्टा बात नहीं करने का। हमको तुम्हारा माल में से हमारा हिस्सा 25 करोड़ चाहिए। 25 करोड़? गिनना आता है क्या 25 करोड़? शेरा जब एक्सटॉर्शन का पैसा मांगता तो बाज की तरह छीन के ले जाता। अभी तुम मेरा हिसाब समझ ले, मैं जिस पानी से नहाता हूँ ना, उस पानी को भी गटर में नहीं बहाता हूँ, उसको उबाल के पी जाता हूँ, मेहमानों को पिलाता हूँ, समझा? तो जो आदमी अपने नहाने के पानी को गटर में नहीं बहाता है, अबे वो तेरे को 25 करोड़ क्या फोकट में दे देगा? बाप का माल है तेरे। तू क्या, तेरा बाप भी देगा। अरे
राज के सक्सेना को ने। वो मैंने दूसरों का पैसा लेके ब्याज पे चढ़ाना बंद कर दिया है। हम पैसा देने के लिए नहीं, लेने के लिए आया है। लेने है? हाँ। मुझसे? हाँ। आपकी तारीफ? तेरे को तारीफ मांगता कबूतर का औलाद हम देता है। हम अभी अभी फोन किया ना तेरे को। वो 25 करोड़ वाले आप हैं? बाप है। हेरा अपना शेयर लेने का वास्ते आया, 25 करोड़ कैश। 25 करोड़ कैश तो दूर की बात है, मैं 25 करोड़ कागज पे लिख के नहीं दूंगा। खजूर का औलाद, तू जानता नहीं हमको? हम तेरा छोटा छोटा टुकड़ा करके माहिम का खाड़ी में फेंक देगा। एजी, एजी ये तो बहुत खतरनाक लोग लगते हैं, इन्हें जो चाहिए दे दो ना। दे दूं? तुम्हारे बाबा का माल है, दहेज में लाई थी क्या? लगता है तेरे को तेरा जिंदगानी से प्यार नहीं है। नहीं, प्यार तो बहुत है मगर जिंदगी से ज्यादा इससे, इसीलिए 24 घंटे इसके पीछे घूमता रहता हूँ। शेरा को अपना माल वसूल करने को आता है? ए, इसका औरत को उठा लो। ले जाओ। अरे अजी, अजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अजी, अजी आप देख रहे हैं, वो दीदी को लेके जा रहे हैं। ले जाने देना यार, जान छूटी। जान छूटी? अरे जान तो फंसेगा तेरा। इस औरत को छोड़ो, इसको उठाओ। अरे अरे मुझे क्यों? मुझे क्या करोगे ले जाके? क्या करोगे? मेरा क्या अचार डालोगे? अरे निकल ले जा। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? जहन्नुम में। तब तो ठीक है, वहाँ इनके बहुत रिश्तेदार हैं, बड़ा मजा आएगा। बैटरे ले जाओ। राज, डारी को कोई शेरा नाम का गुंडा उठा कर ले गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। राज तुम्हें मजाक सूझ रहा है, अगर डारी को कुछ हो गया तो? चलो अच्छा है, ऐसे आदमी को धरती पर रहने का कोई हक नहीं, पूरी दुनिया का पैसा खाया है इस आदमी ने। राज हमें डारी को बचाना ही होगा। पता है शेरा नाम के गुंडे ने 25 करोड़ की डिमांड की है, एड्रेस भी दिया है। अच्छा चलो ठीक है, होने वाले ससुर के लिए कुछ करते। क्या कर रहा है, इतनी रस्सी काय को बांध रहा है? बक बक करता है खजूर का औलाद। शेरा के नोटों का पार्सल है तू? मैं नोटों का पार्सल? नोटों का पार्सल होता तो खुद अपने अंदर से नोट नहीं निकाल लेता। कब से बकवास करता है तू? खोचे अभी बकवास किया ना तो शेरा पहाड़ी में से ऐसा जान निकाल लेगा जैसे बच्चा लोग फुग्गे में से हवा निकालता। तू कुछ भी निकाल ले, तू मंगता तो मेरा पंक्चर कर ले, मगर मेरी जेब में से पैसा मत निकाल, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी पैसा लिया है, दिया कभी नहीं है यार। मालूम मेरे को आसानी से माल नहीं देगा तू, इंतजाम कर लिया शेरा। हेलो शेरा का माल किधर है? हम आपका ऐसा लेकर आए शेरा भाई, हम जबान के पक्के हैं। जरा बाहर आकर देखिए, गाड़ी में हम हैं और पीछे टेम्पो में आपके 25 करोड़ रुपए। आ गया माल, माल। कौन सा माल यार, कौन सा माल? ए! दिलगोजा होने वाला ससुरा का जान बचाने को आया है। हाँ शेरा भाई, आपका आप हिस्सा लेकर आए हो, वो भी टेम्पो भर के। चले ना भाई, रुपया उतारो। हाँ चलो चलो, आइए चलो, माल उतारो। तेरा ससुरा को बोलने का बीमारी है क्या? हाँ शेरा भाई, मेरे को भी बहुत परेशान करके रखा है, बोलता ही रहता है वो। ये लीजिए। खोचे इतना सारा घोनी, ये क्या है? 25 करोड़ का चिल्लर लेकर आया हूँ। घरबूजा का औलाद, तेरे को हम चिल्लर गिनने वाला लगता? शेरा भाई आपको तो मालूम है ना कि मेरा ससुर कितना हलकट आदमी है, उसको चोरी होने का डर था, इसलिए उसने 25 करोड़ का छुट्टा करा दिया कि अगर आप कोई चोरी करने आए तो 8-10 हमाल की जरूरत पड़े ना, आप हमाल आएंगे नहीं तो माल जाएगा नहीं, सिंपल है ना। ओचे, पर इसको गिनेगा कौन? इतने सारे तो आपके आदमी है ना। आइए भाई चलो, कौन कौन गिनो, करो कमर कमर, आओ जल्दी करो, आओ आओ। ए, उतारो उतारो इसको, उतारो गोनी। हाँ भाई जान, वो पैसा का पार्सल को इधर लेकर आ। ठीक है आता है। तुम्हारा चलने का बारी आ गया है, चलो। तो कैसे चलो, खोलो तो सही। खोलो? हाँ हाँ खोलेगा। कम है नहीं? क्या नहीं, कुछ नहीं। अकल बिल्कुल नहीं है। वेल, ये शेप, ये शेप और दैट शेप,
ये तीनों 10 दिन का अंदर टूट जाने को मांगता है। $10 million के इन्वेस्टमेंट है, अंडरस्टैंड? सर आप लंदन से इंडिया आए सिर्फ शिप ब्रेकिंग के वास्ते? ऑफ कोर्स, इधर बहुत पैसा है। well, वो बाद में बात करेगा। इधर कितना टॉयलेट है? सर यहाँ से राइट जाके राइट। मेरा जीज किधर है? झूलते मीनार? ए बाबा, मेरा नाम झूलता मीनार नहीं है, कुतुब मीनार है। अरे कौन सा भी मीनार हो, कुतुब मीनार हो या चार मीनार हो, ए तेरे को मैं अपने जीजा को ढूंढने का काम दिया ना। मेरा जीजा किधर है? आओ। अबे तेरा जीजा फुदक फुदक के मेंढक के माफक इधर उधर इधर फुदक के फुदकते निकल। अबे अबे वो रहा तेरा जीजा, अबे दो आदमी उसको जकड़ के ले चले शेर का नोक। अरे बाप रे, मेरे जीजे की ये हालत। क्या किया? अरे बाप तू किधर जाता है? किधर भाई, किधर भाग गया है? ओए छोटा उधर है, वो कभी सुधर रहा? चलो भाग के किधर जाता है? हम भागता नहीं, हम टॉयलेट को जाता है। वो क्या होता है? टॉयलेट? टॉयलेट नहीं मालूम? नहीं। हाँ छोड़ेगा? छोड़ेगा। उधर है वो। किधर किधर? मैं भाग नहीं रहा हूँ, मेरे को असल में वो आई है वहाँ जाने। झूठ बोलते है तुम। हाँ। कसम से बहुत जोर से आई है, नहीं तो निकल जाएगा। बहुत जोर की आई है? हाँ। क्या? हाँ। चलो चलो लेके हाँ। जाते उसको। जल्दी जाने का और जल्दी आने का, बहुत देर नहीं लगाने का। जाने दोगे तो आऊंगा ना मैं। ठीक है जाओ जाओ जाओ। ये मेरा जीजा किधर गया? ना ना करेले अंडे अंडा एवड़ा एवड़ा पोई पोई। What a relief! हम तुमको लेके ही जाएगा। पड़ेगा नहीं। You third class loafers, why are after me? You do what I don't understand. I'll kill you. I'll smash you. Police! 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 तू लंदन से यहाँ भी मेरे पीछे आ गया? तू मैं जीजा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं है, है, है। जीजा है जहाँ साला है वहाँ। अरे तेजा, इसको पट्टा क्यों मारा? ये कभी इस अंग्रेजी में बहुत गाली देता है। इंग्लिश? मेरा होने वाला ससुरा तो केजी फेल है, इसको इंग्लिश कहाँ से आ गई? निकालना पट्टा। निकाल निकाल। You bastards! ये देखा? I'll shoot you! देखा? I'll kill you! Son of loafers! You leave me alone! एक मिनट, एक मिनट। बोला क्या? एक मिनट। इतना घटिया ससुरा और इतनी हाई क्लास इंग्लिश और गालियाँ, आपने इंग्लिश पढ़ा है क्या इनको अभी? Don't talk bullshit to me! आज तो मैं तेरे को अपनी बहन के पास लेके जाऊंगा। Well, हम तुमको बताता, हम इंडिया का अंदर शिप खरीदना कवास से आया। Don't do like that. Hey. 25 करोड़ तो गए, अब शिप कहाँ से खरीदेंगे ससुर जी? ससुर जी, वन मिनट, हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, कोई बेटी नहीं है, फिर ये ससुर जी किधर से आया? मेरा और किरण का किस्सा भूल गए? किरण? किरण कुमार जो हमारा नाम है, ये दूसरा किरण किधर से आया? लगता है 25 करोड़ की बात सुनकर आप सटिया गए। सटिया गए? ना ना, हम आता तो लोग बोलता सेठ आ गए। जी ये देखो शादी का फोटो, तुम मेरी दीदी के साथ खड़े हो। यू आर लुकिंग सो हैंडसम, यू आर माय डार्लिंग जीजा। खरबूजा, जब तक ये चिल्लर गिना नहीं जाएगा तुम इधर से नहीं जाएगा। दिस चिल्लर, इट विल टेक 25 इयर्स टू गिना 5। यू आर गॉन मैड, आप बूढ़ा हो जाएगा। हमारा टिकट है टुनाइट का, हमको लंदन को जाना मांगा। ससुर जी आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं? किरण और मैं तो यही है इंडिया में। यंग मैन, हम तुमको कितना टाइम बोला, हम तुम्हारा ससुर नहीं है। हम तुम्हारा ससुर है? हम तुम्हारा ससुर है? बोलो है नहीं है? अरे शेरा भाई ने भी कमाल कर दिया, हम अनपढ़ों को गिनती करने में लगा दिया यार। अरे तीसरी गोली खोल।
कोयला भाई। कोयला छोड़ तू क्या दे है? ये तीसरी गोली में पैसे की जगह पे कोयला निकला है। ये देखिए कोयला। ये क्या है? कोयला है कोयला। कोयला शेरा तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। शेरा भाई शेरा भाई शेरा भाई बहुत शिकार कर लिया तूने इंसानों का और उनकी दौलत का, मगर आज शेरा का शिकार करने वाले पंजे को बेकार कर दिया मैंने। बगैर पंजे के शेर शिकार नहीं कर सकता और बगैर गोली के बंदूक नहीं चल सकती। क्या बकता है तू? ये कब किया तूने? मैं बताता हूँ, जब आप लोग ये किलर गिनने में लगे हुए थे तब मैंने सारी गोलियां निकाल ली। अपना तूने को Don't dance like Michael Jackson. See here? See here? See here? देखा उल्लू के पट्टे, अगर ये मेरी बेटी है तो मैं तेरा जीजा कहाँ से हुआ बे? एक मिनट। राज तो आपको लेने अंदर शेरा के पास गया है, लेकिन अगर आप यहाँ हैं, तो अंदर कौन है? Oh my God, double roll, राम और श्याम, राम उधर है, श्याम इधर है, oh my Jesus there, you know. ढाई गज के कफे में लपेटूंगा तुझे। और मेरे भाई जान को
करोड़ चाहिए, तेरे को तो 25 करोड़ जूते पड़ने चाहिए। हमारी मुसीबत का जड़ तू है सक्सेना, आज तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा बुड्ढे। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए इधर। एंड में पुलिस आता है। राज कुछ नहीं। पकड़ो सबको। यू आर अंडर अरेस्ट शेरा। ए मक्खी चूस, हम फिर आएगा एक्सटॉर्शन का पैसा लेने। हम आएगा बेटा, तूने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई। ससुर जी आपको पैसों से प्यार है, मुझे किरण के पिता की जान प्यारी है। अगर आपको प्यार करना ही है तो दौलत से नहीं, इंसानियत से प्यार कीजिए, यही असली दौलत है। वाह बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े आदमी को शिक्षा दे दी तूने। ये समझ ले खून के कतरों ने मेरे दिल का महल धो दिया बेटा, मेरा दिल बदल गया, मैं आज से बदल गया बेटा। हम भी बदल गया, हम अपना कैरेक्टर एकदम बदल दिया। पहले हम अपने वाइफ से भागता था, आपने ये साला से भागता था, पर अभी डिसाइड किया नहीं भागेगा। I'll go back to my wife, अपना साला के साथ लंदन जाएगा। Let's go। ए भाई जीजा के साले, तेरे को एक नहीं दो दो जीजू मिल गए, समझा ना। अभी मेरी पेमेंट भी डबल मांगता है रिट्टा वणाम। डबल मांगता है एपो तो राम डबल पेमेंट। उपु, 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 उपु। बोला लाल तीखी तीखी, बोला लाल तीखी।